Hi everyone, welcome to Study IQ. I hope I am audible to everyone. Am I audible? ऑडियबल प्लीज लेट मी नो लेट स्टार्ट अवर डिस्कशन देन गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग चलिए फिर हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं ठीक है आज का जो डिस्कशन रहने वाला इट इज गोइंग टू बी अबाउट लैंड फॉर्म डेवलपमेंट ठीक है क्या डिस्कस करेंगे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट ठीक है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे uh, देखिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है किस सेंस में है वो भी देख लेते हैं ओके okay, ग्रेट हाँ तो चलिए देखते हैं कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है देखिए जब भी आपका वर्ड आता डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली हम कुछ इवोल्यूशन की बात करते हैं ठीक है जब भी आपका वर्ड आता डेवलपमेंट तो इनका सिंपल सा मीनिंग होता है हम कुछ इवोल्यूशन की बात करते हैं जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट अब जब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ड यूज करता हूं तो आपको क्या लगता है मतलब क्या देखना चाहिए मुझे ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट जब वर्ड आता है तो मैं देखता हूँ एजुकेशन क्राइटेरिया मैं देखता हूँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है मैं देखता हूँ इक्वलिटी सोसाइटी में क्या है पर कैपिटल इनकम क्या है कितने रिसोर्सेज हैं जो आपको बेसिकली uh, एक हेल्थ uh, फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीजें मैं ह्यूमन डेवलपमेंट में बात करता हूँ तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आ गई आपके पास में तो इसी तरीके से मैंने जब डेवलपमेंट वर्ड यूज किया तो मैंने ओरिजन ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात नहीं की मैंने सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया इसी तरीके से जब मैं लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करता हूं तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में क्या होगा मैं सिर्फ लैंडफॉर्म के डेवलपमेंट की बात करूंगा मतलब उनमें क्या चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं दैट मीन्स मैं अर्थ के क्रस्ट पार्ट पे ये बात करूंगा कि अर्थ के क्रस्टल पार्ट के अंदर किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं ऑब्वियसली यहां पे दो टाइप की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब मैं लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करता हूं तो दो टाइप की एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक होता है इरोजनल एक्टिविटी और एक होती है डिपोजिशनल एक्टिविटी ठीक है एक होता है इरोजनल एक्टिविटी और दूसरा होता डिपोजिशनल एक्टिविटी ये दोनों ही एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इरोजनल एक्टिविटी और आपकी डिपोजिशनल एक्टिविटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है उनका क्या मीनिंग है मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए जैसे हिमालयास का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हिमालया से रिवर फ्लो करती है जब हिमालयाल से रिवर आपकी फ्लो करती हैं तो एट दैट टाइम हिमालया से रिवर इरोजन करती है ऑब्वियसली काफी स्पीड पे रिवर मूव कर रही होती है काफी स्पीड पे वाटर फ्लो कर रहा होता है जब वाटर काफी स्पीड पे फ्लो कर रहा होता है तो वाटर के पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है आज मिल जाएगी विद्यासागर आज मिल जाएगी क्लास के बाद आपको चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है हाँ तो हम बात कर लेते हैं कि क्या होगा आपका यहां पे मुझे देखने को मिलेगा रिवर के पास में काफी ज्यादा एनर्जी है तो काफी ज्यादा एनर्जी होने की वजह से रिवर क्या करती है आपका इरोजन करती है अब जब रिवर इरोजन करती है तो जब हिमालय से क्रॉस करके रिवर प्लेन एरिया में पहुंचेगी तो उस टाइम पे क्या होगा रिवर का वाटर स्लोली मूव करेगा ठीक है रिवर का वाटर क्या करेगा बहुत स्लोली मूव करेगा जब रिवर का वाटर स्लो मूव करेगा तो ऑब्वियसली अब की बार जब वाटर स्लो हो चुका है तो उसकी सेडिमेंट होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है मतलब जितना सेडिमेंट वो लेके चल रहा था अब वो उसको होल्ड नहीं कर पाएगा जब स्पीड ज्यादा थी तो ठीक था चल रहा था क्योंकि सेडिमेंट आ रहे थे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं

क्योंकि पहले वाटर मूविंग था काफी सारी सेडिमेंट होल्डिंग कैपेसिटी थी अब वाटर ने मूव करना स्टॉप कर दिया और आपको सेडिमेंटिंग होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अब कम हो गई इसलिए सेडिमेंट डिपॉजिट हुए क्वाइट सिंपल इसी तरीके से आपका रिवर क्या करती है आपका इरोजन भी करती है डिपोजिशन भी करती है अब ये एग्जाम्पल तो मैंने रिवर का दिया रिवर के अलावा भी ऐसे एजेंट हैं जो यही काम करते हैं ग्लेशियर भी करता है विंड भी करती है तो अलग अलग टाइप के ऐसे एजेंट होंगे जो ये आपका इरोजन का और आपके डिपोजिशन का काम करेंगे। जब इरोजन और डिपोजिशन का काम आपके इसके थ्रू होगा डिफरेंट एजेंट के थ्रू आपके डिपोजिशन का काम और आपके बेसिकली इरोजन का काम होगा तो यही आपकी लैंडफॉर्म को डेवलप करेगा तो आज हम ये फोकस करेंगे कि ऐसे कौन से कौन से एजेंट हैं हु आर डूइंग सो मीन्स दे आर हेल्पिंग इन डूइंग इरोजन एज एज वेल डिपोजिशन दोनों ही चीजें इंप्रूव करने में हमें हेल्प करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह होंगी कपिल भारद्वाज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है कपिल डॉट भारद्वाज ट्वेंटी ट्वेंटी टू दिस इज माई इंस्टा हैंडल फॉलो करेंगे मैसेज कर सकते हैं दैट इज प्रॉब्लम विल बी चलिए आगे बढ़ते हैं यस तो हमारा टॉपिक जो आता है वो आगे आपका लैंडफॉर्म डेवलपमेंट या फिर इवोल्यूशन का मतलब नॉलेज कि नहीं थी धीरे <coughs> धीरे क्या हुआ धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि जैसे जैसे मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट होते चले गए तो आई केम टू नो कि अब मेरी लाइफ के अंदर क्या चल रहा था अब मैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स पे बात करने लग गया पहले मैं क्लाइमेट को अडोप्ट करता था अब मैं एसी की रिक्वायरमेंट पुट अप करने लग गया तो मतलब धीरे धीरे मेरी चीजें क्या हो रही थी चेंज हो रही थी ये हुआ ह्यूमन इवोल्यूशन अब मैं बात करता हूँ लैंड फॉर्म की मतलब जैसे कि आपको पता है अर्थ का इंटीरियर के बारे में हमने स्टडी किया अर्थ के इवोल्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया हमने लावा वोल्केनिज्म इंक्लूजिव रोक एक्सक्लूसिव रोक्स के बारे में डिस्कस किया अब फाइनली सवाल यह आता है कि जब बाहर से क्रस्ट पूरी तरह डेवलप हो चुका था उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि आपके लैंडफॉर्म्स के कैरेक्टर चेंज होना शुरू हो गए ठीक है ये चीज के बारे में आज हम बात करेंगे तो मतलब बस हमारी डिस्कशन कंसंट्रेट करेगी लैंडफॉर्मस के बारे में और उनके इवोल्यूशन के बारे में तो आफ्टर वेदरिंग 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 कैसा कैसा प्रोसेस प्रोसेस था था एक्स या इन <coughs> और क्या आप बता पाएंगे वेदरिंग और इरोजन के अंदर क्या डिफरेंस था कल हमने डिस्कस किया था इसको अगर किसी ने नहीं देखा तो यू विल गो टू द प्रीवियस वीडियो आप उसको देखेंगे ठीक है चलिए वेदरिंग हमने देखा था एक इन इनसेतु प्रोसेस था ठीक है

तो ये इन सेतु है ना मतलब सेम साइड पे प्रोसेस हुआ है इसके अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला लेकिन अब क्या होगा क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं दैट्स व्हाई ये बहुत इजी है इनको मूव करना ठीक है ना इनको मूव करना काफी इजी होता है तो मेरे पास क्या होगा अब इनका मूवमेंट जब टेक्स प्लेस होगा तो मैं इसको बोलूंगा इरोजन जो कि एक एक्स सेतु प्रोसेस है मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे आपका क्या होता है मूवमेंट यहां पे होगा तो ये मेरा एक्स सेतु प्रोसेस कहलाएगा तो वेदरिंग इन इनसेतु प्रोसेस है इरोजन एक्स सेतु प्रोसेस है आज का जो चैप्टर है वो डील करेगा आपका लैंडफॉर्म से और उनके इवोल्यूशन से ठीक है फर्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन व्हाट इज लैंडफॉर्म पहले हमें पता तो हो कि लैंडफॉर्म है क्या तभी तो उसके इवोल्यूशन के बारे में बात कर पाएंगे एग्जैक्टली exactly, हम किस चीज को लैंडफॉर्म बोलेंगे तो एक्चुअली जो आप डिफरेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स देखते हो ना जैसे आप माउंटेन्स देखते हो आप प्लेटू देखते हो आप प्लेन एरिया देखते हो आप वैली देखते हो आप रिफ्ट वैली देखते हो आप वी शेप्ड वैली देखते हो तो ये सब चीजें क्या है आपकी ये होते हैं आपके लैंडफॉर्म्स और इनके अंदर कॉन्टिन्यूस चेंजेस होते हैं चेंज नेचर का एक रूल है अगर जो चेंज नहीं हुआ वो खराब होता है

अलग अलग ट्रैक्स जो होंगे अर्थ सरफेस के वही मेरे क्या कहलाएंगे लैंडफॉर्म्स कहलाएंगे ठीक है जैसे कि प्लेन एरिया काफी बार वास्ट भी हो सकता है काफी बार स्मॉल भी हो सकता है डेजर्ट एरिया ठीक है काफी बार स्मॉल भी हो सकता है लार्ज भी हो सकता है तो ये सब क्या कहलाएंगे लैंडफॉर्म कहलाएंगे सेवरल रिलेटेड लैंड फॉर्म टूगेदर मेक्स ए लैंडस्केप ये इंपॉर्टेंट है भाई लार्ज ट्रैक्ट ऑफ दी अर्थ मतलब काफी सारे जब लैंड फॉर्म्स जैसे कि हिमालयास को भी इंक्लूड कर लूँ प्लेन एरिया को भी इंक्लूड कर लूँ प्लेटो को भी इंक्लूड कर लूँ सेवरल फॉर्म्स कम्स टूगेदर मेक्स अ लैंडस्केप तो लैंडस्केप इज अ ब्रॉडर पॉइंट उसमें नैरोवर चीजें क्या है अलग अलग टाइप के जो फीचर्स है वो मेरे जिस तरीके का फॉर्म हुए हैं प्लेन एरिया अलग तरीके से फॉर्म हुआ है छोटा नागपुर प्लेटू का जो फीचर्स है वो आपके एल्फ्स माउंटेन का फीचर नहीं होगा रोकी का जो फीचर है रोकी माउंटेन का जो फीचर है वो आपके बेसिकली आपका जो ब्लैक फॉरेस्ट का फीचर नहीं होगा तो

आप क्या करेंगे 11 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा से आपका स्टार्ट आप जो कोस्टिंग है लेकिन आप अभी के लिए क्या कर सकते है? तो जाइए कीजिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं तो हाँ हम लैंडफॉर्म की बात कर रहे थे तो लैंडफॉर्म और लैंडस्केप मेरे पास दो इंपॉर्टेंट वर्ड आए हैं लैंडफॉर्म मेरा स्मॉलर पिक्चर है लैंडस्केप मेरा एक ब्रॉडर लार्जर पिक्चर है एवरी लैंडफॉर्म हैज इट्स बिगनिंग एंड slowly मे fast इन to साइज नेचर स्लोली और फास्ट ड्यू टू agents. एक्शन क्या होता है जैसे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे लैंडफॉर्म काफी frequently चेंज होता है ये डिपेंड करता है कि, कि किस टाइप का लैंडफॉर्म है कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको देखिए आप डेजर्ट एरिया में हैं, <coughs> तो आपको पता है डेजर्ट एरिया में क्या होता है विंड <coughs> जो है विंड जो है एक स्ट्रॉन्ग इरोजिव एजेंट की तरह काम करती है ठीक है गिव मी ए सेकेंड विंड एक इरोजिव एजेंट की तरह काम करती है ठीक है यस yes. <coughs> यहां पे विंड क्या करेगी एक इरोजिव एजेंट की तरह काम करती है अब क्योंकि वो एक लैंडफॉर्म जो वहां पे डेजर्ट में जो डेवलप हुआ है टोटली सैंड पार्टिकल है बहुत आसान होता है विंड को उस सैंड को उठाना और दूसरी जगह पर ले जाकर डिपोजिट करना बहुत सिंपल है आंधी आएगी काफी सारा मिट्टी उठाएगी दूसरी जगह पर जाके डिपोजिट कर देगी क्वाइट सिंपल बहुत है इसलिए क्या होगा वहां बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं लेकिन जब मैं आपके हिमालयाच की बात करूं तो उस केस में इतना इजी नहीं है कि आप रात और रात पूरे हिमालयाज को उठा के कहीं और ले जाओ सैंडूल की सेप विद इन वन और टू डेज कंप्लीटली चेंज हो जाती है लेकिन हिमालयाज की सेप वो वन और टू डेज वन और टू ईयर वन और टू डिकेड में चेंज नहीं होने वाली

this means each and every landform has a history of development and the changes through the time and the land pass, landmass passes through the stages of development somewhat comparable to the stages of life that is youth mature and old stages देखिए क्या होता है बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी भी लाइफ की कुछ फेजेस होते हैं और ये फेजेस अलग-अलग इंडिकेशंस भी देते हैं और ये इंडिकेशन आपको लैंडफॉर्म में भी देखने को मिलेगी मैं बताता हूं कि क्या इंडिकेशन होते हैं अगर आप यूथफुल स्टेज में हैं यूथफुल तो स्टेज में क्या होता है यूथफुल स्टेज में हम काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं छोटा बच्चा होता है आपको काफी बार ये सुनने को मिलेगा बच्चे को यह कहेंगे अरे यार आराम से बैठ जा ठीक है आराम से बैठने के लिए भी उसको बोला जाता है अदरवाइज वो बैठेगा नहीं क्यों क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो उसको छेड़छाड़ करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है यही चीज आपके लैंडफॉर्म पे भी अप्लाई होती है जब लैंडफॉर्म इवॉल्व होता है तो उसके अंदर भी एनर्जी ज्यादा होती है जब आपका शुरू में लैंडफॉर्म डेवलप हुआ है बहुत हार्ड चांसेस होते हैं कि हम उसको इरोड कर पाए क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो काफी स्ट्रांग है जैसे जैसे वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा तो आपका लैंडफॉर्म का स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी जब वो ओल्ड स्टेज पे पहुंचेगा तो बहुत ही लो स्ट्रेंथ हो चुकी होगी अब स्ट्रेंथ बहुत वीक हो चुकी है तो उस केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा लैंडफॉर्म बहुत जल्दी इरोड हो जाएगा आप एग्जांपल समझ सकते हैं अरावली का देखिए आज जो अरावलीज है ना आप अरावलीज को देखेंगे अगर

वही आपके अरावलीज का था जो हिमालयाज को जैसे हम हाईएस्ट माउंटेन रेंज बोलते हैं वैसे उस टाइम पे अरावलीज भी हाईएस्ट माउंटेन रेंज में हुआ करती थी तो क्वाइट सिंपल हमें यह समझ आता है कि हमें हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो अरावलीज थे उनका भी तो क्या हुआ धीरे धीरे डिग्रेडेशन हुआ और अब इतने डिग्रेड हो चुके तो टाइम इंपॉर्टेंट है स्टेजेस भी इंपॉर्टेंट है अब कुछ एजेंट की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले मेरे पास एजेंट आता है रनिंग वॉटर रनिंग वॉटर एक एजेंट का काम करता है इरोजन भी करता है और आपका डिपोजिशन भी करता है तो रनिंग वॉटर की जब मैं बात करूंगा तो ह्यूमिड रीजन के अंदर क्योंकि हैवी रेनफॉल होता है ट्रॉपिकल रीजन है, हैवी रेनफॉल होगा ट्रॉपिकल रीजन में हैवी रेनफॉल से रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड टू तो बी द मोस्ट इंपोर्टेंट जियोफिक एजेंट क्योंकि काफी ज्यादा रेनफॉल होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा इरोजन भी काफी ज्यादा होगा तो रनिंग वॉटर काफी इंपॉर्टेंट एजेंट होता है दूसरा अब आपको समझ आए जैसे रेनफॉल ज्यादा होगा तो पानी पूरा क्या करेगा फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा पूरी सीट की सीट को रिमूव कर देता है क्या होगा जब वाटर आपका फ्लो कर रहा है किसी सरफेस पे तो अपर सरफेस को कंप्लीटली रिमूव करेगा सरफेस एज रिमूव होता रिमूव होता जाएगा इट विल बी लुकिंग लाइक निकाला फिर दूसरी सीट निकल गई तीसरी सीट निकल गई इस तरीके से कंप्लीट यूनिफॉर्म है यहाँ पे चलता चला जाएगा अनदर इज द लीनियर फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन द वैली एक तो ये हुआ जो रेनफॉल हुआ इससे हुआ रेनफॉल से आपका क्या हुआ है बहुत ही सीट के फॉर्म में इरोजन हुआ जिसको सीट इरोजन भी बोलते हैं और हुआ क्यों क्योंकि रेनफॉल काफी यूनिफॉर्म होता है एक सीट के फॉर्म में ही पानी भी फ्लो करता है तो इरोजन भी वैसे ही होगा लेकिन रनिंग वाटर सिर्फ रेन से ही नहीं होता रनिंग वाटर तो आपके रिवर में भी होता है तो यहाँ पे दूसरा केस क्या के आपके स्ट्रीम्स है या रिवर्स जो है वो भी तो आपका मूवमेंट करती है ना वो भी एक रनिंग वाटर है ना उनसे क्या डेवलप होता है वैलीज डेवलप होती है वैलीज का मतलब इस टाइप की शेप दो माउंटेन के बीच में जो डिप्रेशन होते हैं उनको वैलीज बोलते हैं तो वैली की फॉर्मेशन होती है अब वैली की फॉर्मेशन क्यों हुई आप सिंपली समझ सकते हो रेनफॉल हुआ तो वाटर काफी एरिया में स्प्रेड था तो शीट की फॉर्म में इरोजन हुआ जब मेरे पास आपकी वैलीज डेवलपमेंट है जब मैं रिवर की बात कर रहा हूं तो आपकी फ्लो किस में रिवर आपकी एक ही प्लेस पे फ्लो कर रही है अब इरोजन एक पर्टिकुलर प्लेस पे ज्यादा तो होगा, होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है आउटकम्स क्या होंगे आउटकम्स ये होंगे कि वी से उसी को डिप्रेशन को हम वैली का नाम दे देंगे तो क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड ठीक है

तो क्या होगा ये जेंटलर होना ये स्टीप स्लोप डेवलप होना ये सब तो एक पर्टिकुलर पार्ट part होगा बट हाँ इरोजन तो होगा लैंडफॉर्म तो इवॉल्व होंगे ठीक है <coughs> जब छोटे छोटे स्ट्रीम्स वैन द स्ट्रीम्स बेड टर्न जेंटलर ड्यू टू द कंटिन्यूड इरोजन डाउनवर्ड कटिंग बिकम्स बिकम्स लेस डोमिनेंट एंड द द लेटरल इरोजन ऑफ इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई होता क्या है जैसे जैसे आपका यंग से मैच्योर की तरफ आपका लैंडफॉर्म बढ़ता है लेट्स से रिवर की मैं बात कर रहता हूँ रिवर ने डीप इरोजन करना शुरू किया लेकिन जैसे जैसे रिवर स्ट्रीम को लंबा टाइम हो जाएगा तो वो वर्टिकल इरोजन वर्टिकल सीधा इरोजन होता है की बजाय क्या करेगी आपका लेटरल इरोजन करेगी मतलब साइड से इरोड करना शुरू करेगी तो देखिए क्या इफेक्ट होगा आप ये समझे जब रिवर ने वर्टिकल इरोजन किया था लेट्स से ऐसी वैली बनी ठीक है इसके बाद में क्या हुआ धीरे धीरे रिवर ने वर्टिकल इरोजन को इंक्रीज करता चला गया वी शेप्ड वैली बनती चले गई कुछ इस टाइप की वैली आपकी डेवलप हो चुकी है अब क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इसलिए यंग स्टेज से क्या हो चुकी है अब मेच्योर पे जब ये पे है तो क्या होगा अब वर्टिकल इरोजन की बजाय ये लेटरल इरोजन करेगी तो जो आपका वी से पहले तो बहुत साइड से भी कटिंग करना शुरू किया तो ये क्या होगा वी से यू ये बहुत है। जब भी रिवर अपने मेच्योर स्टेज पे बढ़ती है तो आपकी जो है वो वी से शेप से यू शेप बन जाती है ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना है इसको याद रखना है ठीक है तो आपकी वैलीज क्या होंगी वी गॉट इन इनटू यू सेप्ड। वैली क्वाइट करेक्ट

कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है ठीक है ये तो आपके पास क्या होगा डाउन कटिंग डोमिनेट करती है ड्यूरिंग द बेसिकली यंग स्टेज और आपका लेटरल इरोजन जो है वो डोमिनेट करता है कब आपके मेच्योर स्टेज ये है इन द मिडल स्टेज द स्ट्रीम्स कट देयर देअर बैडर एंड द लेटरल इरोजन ऑफ द वैली साइड्स बिकम सीवियर ठीक है stages, slower, severe, तो मतलब मिडल स्टेज या फिर मैं मेच्योर स्टेज की बात करूं तो उस टाइम पे वर्टिकल के बजाय लेटरल इरोजन ज्यादा रहेगा ये आप याद रखेंगे ठीक है थीके? The divide between the drainage basin are likewise lowered until they are almost completely flattened, leaving finally a low land of the faint relief with some low resistant remnant called the monadnock standing out here and there. देखिए अब क्या होगा? Let's say extreme आपका move कर रही है, दूसरी stream भी move कर रही है। मैं गंगा और यमुना का example दे देता हूँ। गंगा भी move कर रही है, यमुना भी move कर रही है। अब एक तो time ये भी हो सकता था, था ना <coughs> कि गंगा और यमुना दोनों मिलके इतना ज्यादा erosion करती कि दोनों एक दूसरे के अंदर मिली जाती और एक ही स्ट्रीम के अंदर फ्लो करती लेकिन ऐसा नहीं हुआ काफी लंबे टाइम तक गंगा और यमुना दोनों ही सेपरेट रिवर के फॉर्म में मूव करती है कारण क्या है वट इज द लॉजिक क्यों मूव करती है क्योंकि बीच में ऐसे रॉक पार्टिकल आते हैं जो काफी हार्ड होते हैं और रिवर के पास में स्ट्रीम के पास में वॉटर के पास में इतनी एनर्जी नहीं होती कि उसको रिमूव किया जाए जो हार्ड पार्टिकल होता है उसको बोलते हैं मोनार्ड नॉक नॉक्स जो हार्ड पार्ट होता है ना इस तरीके से स्ट्रीम्स के बीच में जो हार्ड पार्ट होता है उसको मोनार्ड नॉक्स के नाम से जाना जाता है क्वाइट सिंपल दिस टाइप ऑफ प्लेन फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द स्ट्रीम ऑफ इरोजन इज कोल्ड पेनी प्लेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हर एक केस में हर एक इरोजनल एजेंट या डिपोजिशनल एजेंट के केस में पेनी प्लेन बनता है ये पेनी प्लेन का क्या मतलब होता है पेनी प्लेन का मतलब होता है वो वाला प्लेन इसके बाद में इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं मिलेंगे ठीक है मतलब जैसे नॉर्दर्न प्लेन है उनको मैं पेनी प्लेन बोलूंगा क्यों बोलूंगा क्योंकि एक उसका सिंपल सा प्रोसीजर यह है कि एक लेंथ से दूसरी लेंथ तक करके अगर मैं मूव करता हूं मैं वेस्ट साइड से ईस्ट तक मूव करता हूं तो मुझे सिंपल एक प्लेन एरिया फीचरलेस एरिया नजर आता है जैसे बीच पे आप जाते हैं तो आपने बीच को भी हम एक पेनी प्लेन का नाम दे सकते हैं बीच पे आपने देखा होगा ऐसा कोई आपको फीचर अलग से नजर ही नहीं आता बस एक टोटल प्लेन लैंड सरफेस एरिया है जिसका स्लोप भी बहुत कम है ठीक है ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रीप स्लोप आ जाता बहुत ही जेंटल स्लोप है कभी बार तो पता भी नहीं लगता है कि स्लोप इंक्रीज या डिक्रीज हो भी पा रहा है या नहीं तो सिंपली हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं पेनी प्लेन का मतलब होता है फीचरलेस प्लेन और ये कब डेवलप होगा फीचरलेस प्लेन डेवलप होता है मेच्योर स्टेज पे या फिर ओल्ड स्टेज पे मेनली मेनली ओल्ड स्टेज पे जैसे आप अपनी लाइफ के अंदर समझे जब आप यंग थे तो आप काफी कलरफुल अलग अलग टाइप के कपड़े भी पहनना पसंद करते थे ठीक है जब आप मेच्योर हुए आपने थोड़े चीजों को स्टैंडर्डाइज किया और आपकी पैटर्न जो है वो लगभग फिक्स हो गया कि मैं इसी टाइप की क्लोथिंग को यूज करूंगा जब आप ओल्ड स्टेज में जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा आपको हर एक चीज बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे चाहिए कि मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं होना चाहिए मतलब फीचरलेस होना चाहिए ठीक है अभी आपको लगता होगा कि फीचर होने चाहिए जितना बढ़िया फीचर होंगे बहुत बढ़िया मजा आएगा धीरे धीरे फीचरलेस चीजों के ऊपर आप ज्यादा बिलीव करेंगे यही आपकी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का भी स्टेज होता है यंग मेच्योर और ओल्ड ओल्ड में पेनी प्लेन डेवलप होते हैं जो कि टोटली फीचरलेस प्लेन होते हैं सिंपल स्ट्रीम्स आर फ्यू ड्यूरिंग द स्टेजेस विदर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ऑफ द ओवर द स्लॉप शोइंग शेलो वी-शेप्ड वैली विद नो फ्लड प्लेन और विद अ वेरी नैरो फ्लड प्लेन अलोंग द ट्रंक स्ट्रीम शुरु में क्या होता है एक वी सेब वैली होती है बहुत बहुत ही होता होता, है, बहुत नहीं होता। की वी सेव है, वी सेव है तो क्या है है, नहीं की तो क्या बट जैसे जैसे वो जेंटलर होता जाएगा या यू सेब्ड होगा तो उसका फ्लड प्लेन क्या होता जाएगा फिर इंक्रीज होता चला जाएगा स्ट्रीम्स डिवाइडेड ऑन द ब्रॉड एंड फ्लैट स्वैम्स एंड लेकर इफ प्रेजेंट डेवलप ओवर दीज ब्रॉड एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जो स्ट्रीम्स है वो डिवाइड होती हैं, कई बार रोड या फ्लैट हो जाती हैं, वो कई बार मियडर भी करती है हालांकि को हम कोसी रिवर के बारे में बात करते हैं यू you नो know की कोसी को क्या बोलते हैं सोर ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी रिवर को बोला जाता है सोर ऑफ बिहार क्यों बोला जाता है क्योंकि कोसी रिवर काफी ज्यादा मियंडर करती है डर का मतलब होता है अपने पाथ को फ्रीक्वेंटली चेंज करना तो रिवर ऐसा कब करती हैं रिवर अपने पाथ को क्यों चेंज करती है रिवर अपने पाथ को तब चेंज करती है जब वो सेडिमेंट काफी सारे लेके आए और उनको डिपॉजिट करें जब वो सेडिमेंट डिपोजिट होंगे तो वो एज ए बैरियर काम करते हैं जो कि रिवर के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ठीक है इसलिए रिवर में मियनिंग होती है इसीलिए के अंदर क्या होता है काफी ज्यादा फ्लड आती रहती है अब ये डिपेंड करता है कि के अंदर हम फ्लो कर रहे हैं या के अंदर फ्लो कर रहा है। उसके ऊपर ऑब्वियसली सॉफ्ट रॉक होंगे जल्दी इरोजन होगा हार्ड रॉक होंगे तो इरोजन स्लोली होगा अब बात करते हैं मेच्योर स्टेज में क्या होता है ड्यूरिंग दिस स्टेज द स्ट्रीम्स आर इंटीग्रेशन द वैलीज आर स्टिल वी शेप्ड बट डीप

एल्टीट्यूड का जब भी डिफरेंस आता वॉटरफॉल इज नथिंग बट सिंपली क्या है वॉटर का हाई हाइट से गिरना ही वॉटरफॉल कहलाता है तो यहां पे वॉटरफॉल जो है वो डेवलप होगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं ओल्ड स्टेज जब आएगी तब क्या होगा ओल्ड स्टेज में कुछ इस टाइप के फीचर नेचुरल लेवीज ऑक्सबो लेक्स तो इनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस टाइप के लैंड डेल्टा फॉर्मेशन ठीक है डेल्टा फॉर्मेशन तो ये सब चीजें आपकी एसरीज फॉर्मेशन ये सब चीजें फॉर्म होती है जब आपकी ओल्ड स्टेज आती है

रिवर पे कहीं पे कॉन्फ्लुएंस कर रही है दूसरे से ये फ्लड प्लेन एरिया है जो आपका गंगा रिवर का आप एग्जाम्पल समझ सकते हो इसको गंगा रिवर क्या करती है हिमालय से क्रॉस करके वाटरफॉल बनाती है ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती है प्लेन एरिया में अपना फ्लड प्लेन बनाती है और मियडर करती है अपने पाथ को चेंज करती है चेंज करने के बाद में जब सी में जाती है तो ये क्या करती है आपका डेल्टा फॉर्मेशन एस्टरीज फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पे बोल रहा था बीच बनाती है ठीक है क्या क्या डिस्कस करेंगे हम डेल्टा को डिस्कस करेंगे एस्टरीज को डिस्कस करेंगे ऑक्सबो लेक को लेवीज को इन सब के बारे में फॉर्मेशन जो है

एक चीज तो मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूं कि जो हिमालयान रिवर है ना वो हिमालयाज की फॉर्मेशन से पहले भी फ्लो करती थी ऐसा नहीं कि हिमालयाज फॉर्म हुए तभी रिवर ने फ्लो करना शुरू किया हिमालयाज के पहले से ही वो रिवर जो है वो फ्लो करती थी मतलब हिमालयान रिवर आर ओल्डर देन हिमालयाज ठीक है दूसरा अब जब रिवर शुरू में ओरिजिनेट हुई तो फिर क्या होगा वो छोटे छोटे रील्स बनाती है जैसे आपने काफी बार देखा होगा अगर बारिश आई है तो छोटे छोटे बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन जाती है मिट्टी के अंदर बारिश अगर आई है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन जाती है मिट्टी के अंदर कच्चा जहां भी कच्ची मिट्टी होगी वहां पे आपने देखा होगा अगर फील्ड्स में गए हो तो वहां देखा होगा कि जब बारिश आती है तो छोटी छोटी स्ट्रीम्स बन जाती हैं जो स्ट्रीम्स बन जाती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं गुलीस बोलते हैं गुलीज अपने आप को क्या करती है धीरे धीरे वाइड वाइड होती चली जाएंगी वाइड होंगी तो फिर क्या होगा फर्दर डीप होंगी फर्दर डीप फॉर फर्दर वाइड एंड फर्दर लेंथ इंक्रीज होगी फिर वो गुलीज क्या करती हैं आपकी वैलीज की फॉर्मेशन करती है तो पहले गुलीज से शुरू होता है आपका सिस्टम और फिर आपका क्या करता है ये वैलीज की फॉर्मेशन करता है तो छोटी स्ट्रीम्स और रील्स थी थोड़ा बड़ा हुआ गुलीज बन गई और गुलीज आपकी फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गई है आपके वैलीज में कन्वर्ट हो गई तो सिंपल प्रोसीजर है पहले रील्स फिर गुलीज और फिर आपका वैली फॉर्मेशन होता है और वैली काफी ब्रॉड होती है ठीक है वैली क्या होंगी आपकी काफी ब्रॉड होंगी डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन एंड शेप मेनी टाइप्स ऑफ वैली लाइक वी शेप्ड वैली ठीक है और जॉर्ज बन सकता है कैनियन बन सकता है तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप की शेप ली है वैली ने उसके अकॉर्डिंग डिटेल में हम बात करेंगे बट अलग अलग शेप के ऊपर वैली को अलग अलग नाम से हम जान, जाना जाता है एब्रीवेट करते हैं और जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन वर्थ एंड इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बॉटम जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूँ तो वहां पर आप देखेंगे ये देखिए डायग्राम यहाँ पे आप देखो देखो वैली तो मैंने आपको क्या बताया था वैली तो कुछ ऐसा था पर्षे. मतलब ऊपर से ब्रोड था नीचे से नैरो था ये वैली कहला रही थी जैसे वैली कहां से शुरू होता है वी वर्ड से शुरू होता है ना वैली बस वी वर्ड से ही वैली के शेप देख लो ये वी जो वर्ड है ना यहाँ पे क्या होगा ऊपर ब्रोड है नीचे नैरो है इसलिए मैं इसको वैली बोलता हूं ठीक है वैली का फीचर क्या होगा ऊपर से ब्रोड नीचे से नैरो वैली होगा अब मैं जब जॉर्ज की बात करता हूं तो ये क्या होगा चाहे अपवर्ड साइड हो चाहे बॉटम साइड हो दोनों ही साइड पे लगभग लेंथ बराबर होती है विड्थ विड्थ इसकी बराबर होती है, बराबर होती होती है है तो आई कैन टोटली से कि बोथ द पिलर्स आर पैरेलल टू ईच अदर यहाँ पे दोनों लिम्स जो थे वैली के वो क्या थे वो पैरेलल नहीं थे वो किसी पॉइंट पे जाके मीटअप कर रहे थे बट यहाँ पे जब मैं आता हूँ तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे दोनों ही पिलर्स पैरेलल टू ईच अदर है ठीक है यहाँ देखें दोनों ही पिलर क्या आपके पैरेलल है ठीक है, दोनों ही पिलर क्या होंगे आपके पैरल होंगे जॉर्ज होगा जैसा है क्या होगा बीच में मोनार्ड देखो मैंने बताया था ना जैसे बीच स्ट्रक्चर बच जाता है उसको मोनारोक बोलते हैं तो ये पोर्शन जो है मोनार्ड नॉक का है ऐसा कब होता है ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब बीच में आपके हार्ड रॉक्स आ जाते हैं तो सॉफ्ट रॉक तो इरोड हो गए लेकिन हार्ड रॉक आपका बीच में बच गया अब हार्ड रॉक बच गया तो ऑटोमेटिकली बात है वो कैसा बनाएगा आपका कैनियंस की फॉर्मेशन करेगा तो सिंपल है अंडरस्टैंड कर सकते हैं ठीक है कि की इस क्या होगा आपके ऑलमोस्ट जो है वृथ में पैरेलल होंगे का देंगे तो ये क्या है टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स इन दे फॉर्म जैसा मैंने बताया कि अल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होते हैं ठीक है

एक रिजिड सिस्टम में थी हुआ क्या अब वाटर फॉर्म होता गया वाटर वोटर डाउन हो रहा था जैसे जैसे वाटर पे डाउन होता चला गया तो धीरे धीरे क्या देखने को मिला धीरे धीरे मुझे पता लगा कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया रोग का क्योंकि जहां वाटर वोटर डाउन हो रहा था वहां पे क्या हो गया काफी बड़ा गड्ढा हुआ और धीरे धीरे वाटर नीचे चला गया तो आपके क्या हो गया वी वीसेप्ड सिस्टम बना लेकिन

उसके बाद में अगर ये सॉफ्ट एंड हार्ड ऑल्टरनेट रॉक का बना हुआ है तो फिर पॉर्ट होल्स तो तो क्या होते हैं गड्ढे जो हमारे सड़क पे बन जाते वो भी पोर्ट होल्स होते हैं ठीक है जो गड्ढे हमारी सड़क पे बनते हैं वो भी तो पोर्ट होल्स ही होते हैं क्या होता है उसमें वाटर ड्रॉपलेट गिरते रहते हैं और आपका क्या होता है कुछ कॉन्क्रीट मटीरियल जो है वो बस सर्कुलेट करता होता है धीरे 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 रोड पूरा कट जाता है ठीक है जैसे कि आपने देखा होगा ना अगर एक बार रोड पे गड्ढा बन गया ना तो वो गड्ढा इंक्रीज होता चला जाएगा ठीक है बेसिकली क्या होगा आपका वो गड्ढा जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा अब गड्ढा कैसे इंक्रीज होता है जैसे कि पानी फिल हुआ उसमें तो सराउंडिंग जो मेटीरियल है उसको मॉइस्चर मिल गई वो सॉफ्ट हो गया जैसे ही व्हीकल बार बार पास आउट होते वो आपका वाटर रोटेट करता है रोटेट करेगा तो काइनेटिक एनर्जी आएगी और ज्यादा इरोजन करेगा इस तरीके से वो गड्ढा बढ़ता चला जाता है ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है और यही लैंडफॉर्म के फॉर्म में डेवलप भी हो जाता है तो पूल्स ओवर द रोकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कोल्ड पॉट ऐसा ही होता है रोड पे गड्ढा कैसा होता है मोर और लेस एक सर्कुलर डिप्रेशन होता है तो यहाँ पे भी वो पॉट का मतलब क्या हो गया एक मोर और लेस एक सर्कुलर जो डिप्रेशन क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं हम पॉट का नाम देते हैं ठीक है मोर और लेस जो आपका सर्कुलर डिप्रेशन होगा उसी को हम पॉट का नाम देते हैं

एक दूसरे को ज्वाइन कर लेंगे ज्वाइन करेंगे तो एंट्रेस मियडर लूप रिवर ऑफ द कोरोप लाइक साइड ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स वैली टिपिकल ऑफ दिन वाटरफॉल ऑल्सो द लार्ज पोर्ट होल्स जो आपका यूएसए के अंदर एक एंट्रेंस मियडरिंग जो हो रही है ना रिवर की उससे क्या हुआ काफी बड़ा पोर्ट होल जो है वो डेवलप हो गया तो पोर्ट होल कुछ नहीं है छोटे छोटे हॉल्स हैं वो बड़े होते चले जाएंगे एक दूसरे से मीट करते जाएंगे फाइनली क्या बना देंगे आपका प्लंज बना देंगे ठीक है वही क्या कहलाएगा फिर प्लंज पूल कहलाएगा क्योंकि वो काफी बड़ा हो चुका है उसमें वॉटर फील हो जाएगा तो वो पूल की तरह ही बिहेव करेगा तो वी विल कॉल इट प्लंज पूल ठीक है तो यहां देखें, यहां पे देखेंगे तो आपको पता लग गया वोटर यहां से फोल्ड हुआ थोड़ा साइज को जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पे क्या होगा आपका प्लंज पूल होंगे ठीक है यहां पे क्या होगा आपके प्लंज पूल होंगे नेक्स्ट बात करते हैं है साइज या एंट्रेंस मियनड्रिंग्रिंग यहां देखें देखिए रिवर है आपकी ठीक है ये आपकी कोई रिवर है जो फ्लो कर रही है दिस वे इस वे से आपकी रिवर फ्लो कर रही है और इसी वे को जो आपका एक वे जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बजाय जो मल्टी डायरेक्शनल फ्लो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम मियनिंग बोलते हैं ठीक है इसी को हम क्या बोलेंगे मियनडरिंग बोलेंगे तो इन स्ट्रीम्स दैट फ्लो रेपिडली ओवर द स्टीप ग्रेडियंट नॉर्मली बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल

स्टीप स्लोप मतलब काफी ज्यादा स्लोप है जब स्लोप ज्यादा होता है ना तो वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है आप समझें इस चीज को जैसे यहां देखेंगे यहां से वोटर डायरेक्टली नीचे फोल्ड डाउन हुआ काफी स्टीप स्लोप से गिर रहा है काफी ज्यादा एंगल से गिर रहा है जब एंगल से गिरेगा तो सीधा गड्ढा करेगा ये ठीक है मतलब क्या होगा वी शेप्ड वैली बनाएगा मतलब वर्टिकल इरोजन करेगा लेकिन जैसे ये मेच्योरिटी की तरफ पहुंचेगा ना मतलब स्लोली मूव करेगा तो ये ये इरोजन इरोजन करता है क्या करेगा करेगा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इसका जैसे कि आप हम एक बंदूक से गोली को फायर करते हैं ठीक है जब हम फायर कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है गोली की इसलिए वो क्या करेगा? वो क्या करेगी स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगी वर्टिकल अटैक करती है वो लेकिन बॉम्ब की बात करें एनर्जी तो बॉम्ब में भी है हम उसको फेंकेंगे वो क्या करेगा लेटरल इरोजन मतलब सभी डायरेक्शन में आपका इंप्लीमेंटेशन देता है तो वो क्या हुआ आपकी एनर्जी में डिफरेंस हुआ है ठीक है एक तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो क्या होगा आपका लेट्रल इरोजन होगा और जब आपकी डायरेक्टली फोल्ड डाउन होगी तो आपका कैसा इरोजन होगा फिर आपका वर्टिकल इरोजन होगा तो यहां पे जब आपकी स्ट्रीम क्या हो जाती है आपका जो स्ट्रीम है वो स्टीप ग्रेडियंट पे होती है तो फिर क्या होगा लेट्रल इरोजन जो है वो कम रहता है इट इज नॉट मच लेकिन क्या होगा स्ट्रीम फ्लोन लो स्लोप और जेंटल स्लोप उस टाइम पे क्या होगा आपका जो साइड स्लोप है या फिर आपका इलेट्रल इरोजन है वो ज्यादा रहता है अब <coughs> क्योंकि लेट्रल इरोजन ज्यादा है क्या हुआ यहां पे लेट्रल इरोजन जो है वो ज्यादा है हाँ, थोड़ा सा गला खराब है यार <coughs> तो थोड़ा इश्यू है तो क्या हुआ लेटरल लेट्रल इरोजन ज्यादा हुआ है साइड इरोजन ज्यादा हो रहा है द स्ट्रीम फ्लो ओवर द जेंटल स्लोप एंड डेवलप साइनस और मियनरिंग कोर्स साइनस या मेनरिंग कोर्स इसका क्या मतलब होता है देखिए यहां पे मैं बताता हूं क्या मतलब होता है इसका सब लोगों ने अपनी लाइफ में साइन वेव के बारे में जरूर सुना होगा हम इन्वर्टर खरीदने वजह आते हैं ना इन्वर्टर लेने जाएंगे तो दो टाइप के इन्वर्टर आते हैं मार्केट में कौन से कौन से एक साइन वेव एक विदाउट साइन वेव मतलब अब इनमें डिफरेंस क्या होता है इनमें डिफरेंस ये होता है आप उससे पूछोगे इन्वर्टर वाले से कि दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो ये बताएगा देखिए काफी सारे इन्वर्टर ऐसे होते हैं आपने इन्वर्टर को लगाया आपने इन्वर्टर को लगाया और जब आपने फैन ऑन किया तो फैन कई बार आवाज करता है कुछ टाइम ऐसा होता है कि आप इन्वर्टर पे यूज कर रहे हैं फैन आपका आवाज नहीं कर रहा ये डिफरेंस होता है साइन वेव में और नॉन साइन वेव में साइन वेव कैसे मूव करती है इस तरीके से वेव जब भी आ जाएगी तो इस तरीके से मूव करती है वो साइन वेव अब जब मैंने मियड्रिंग की बात की है तो मियड्रिंग के अंदर भी क्या होता है आपका रिवर जो इसी तरीके से फ्लो कर रही है रिवर स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करने की बजाय ये वे जो है वो चूज कर रही है अब जो ये पाथ रिवर का चूज हो रहा है इसी को साइन वेव के नाम से जानते हैं और इसी को मियनडरिंग के नाम से जानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा वो साइनस वेव या मियनिंग जो है वो कोर्स क्रिएट करेगी दैट यू कैन सी राइट ये जो आपका पार्ट हो रहा है ये क्या है आपका साइन वेव या मियनडरिंग वाला पार्ट जो है यहाँ पे नजर आता है इट इज कॉमन टू फाइंड मियनरिंग कोर्सेज ओवर द फ्लड प्लेन डेल्टा प्लेन वेयर द स्ट्रीम्स ग्रेडियंट इज वेरी जेंटल मतलब जो प्लेन एरिया आपके हिमालयाज में मियडरिंग होगी बहुत कम चांसेस है कम चांसेस होते हैं कि आपके हिमालयाज में, में होगी, होगी आपके प्लेन एरिया में प्लेन एरिया में बिहार में, 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 में रिवर अपने पाथ को ऐसे चेंज कर ले तो यहां पे रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी बिल्कुल आएगी और फ्लडिंग उसके अंदर देखने को मिलेगी तो ये मेरे पास डिपेंड करता है कि किस तरीके से मोशन हो रहा है वेरी डीप एंड वाइड मियड्रिंग कैन ऑल्सो फाउंड इन द कट इन हार्ड रोक यस अगर रोक हार्ड हुई तो मियड्रिंग काफी डीप भी हो सकती है डीप क्यों होगी क्योंकि जैसे जैसे हम डेप्थ दे, पे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा आपका मुझे यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिलेंगे और हार्ड रोक के अंदर वो डिप्रेशन जो है वो ज्यादा अब नहीं हो पाते क्योंकि रोक काफी हार्ड है उसको ज्यादा इरोड करना पॉसिबल नहीं होता ठीक है रिवर टेरिस की बात करते हैं टेरिस मतलब एक स्टेप स्टेप जो बनाते हैं अपने घर में बनाते हैं एक टेरिस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं स्टेप्स बनाते हैं वैसे रिवर टेरिस बनते हैं सर्फेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल दे मे बी बैड रॉक सर्फेस विदाउट एनी एलिवर एलिवियल डिपोजिट द रिवर टेरेजन एज दे आर रिजल्ट ऑफ देर वर्टिकल इरोजन बाय टू इट्स ऑन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन होगा क्या देखिए रिवर टेरे का सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे रिवर फुट हिल पे पहुंचती है हिमालय के या किसी भी माउंटेन के फुटहिल पे जब रिवर पहुंचती है तो फुटहिल को क्या करती है बिल्कुल प्लेन एरिया के बराबर तक कट करती है तो ये फुटहिल पे बनेंगे माउंटेन के और रिवर उसको कट करके प्लेन एरिया के बराबर लेवल पे लाना चाहेगी द रिवर टेरे में आकर द सेम एलिवेशन ऑन इधर साइड ऑफ द रिवर इन विच द केस दे आर कोल्ड एज पेड टेरे <coughs> कई बार क्या होगा रिवर के दोनों साइड पे ही क्या होंगे आपके टेरेस डेवलप होते हैं उनको पेयर क्योंकि दोनों साइड पे डेवलप हो रहे हैं तो वो पेयर होंगे <coughs> तो पेयर नथिंग बट क्या होगा रिवर जो है फुट हिल को फुट हिल जो माउंटेन के उसको इतना कट डाउन करेगी कि प्लेन एरिया के बराबर कर देगी ठीक है? Next, क्या है तो यहां पे देखो <coughs> यहां देखो क्या हो रहा है यहां पे क्या सिचुएशन थी सिचुएशन ये थी ठीक है शुरू में एक वी वैली डेवलप हुई थी धीरे धीरे वो ब्रॉड ब्रॉड हुई है ब्रोड होती चली गई तो देखो क्या हुआ अब धीरे 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 ये, ये जो एरिया है काफी हाइट पे है ना लेकिन लास्ट में क्या हो गया ये इतना लोअर हाइट पे आ चुका है कि अब धीरे धीरे और कट डाउन करके ये बिल्कुल प्लेन एरिया के अंदर डेवलप हो जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पे स्टेप्स डेवलप हो चुके हैं एक स्टेप दूसरा स्टेप थर्ड स्टेप ये क्या कहलाएंगे आपके रिवर टेरेसेस कहलाएंगे और कोशिश करेगी रिवर की इसको क्या कर देगी बेसिकली पेड़ स्ट्रक्चर में डेवलप करेगी क्यों करती है पेयर स्ट्रक्चर में तभी डेवलप करेगी रीवा जब उसका यूनिफॉर्म फ्लो होगा ठीक है जब पेयर स्ट्रक्चर में तभी डेवलप होगा जब आपका यूनिफॉर्म फ्लो देखने को मिलेगा तो यहां पे जब मैं देखता हूं तो अगर दोनों साइड पे यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो देखो इधर भी पेयर इधर भी स्ट्र...

तो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का इरोजन की कैपेसिटी अलग अलग होगी इसलिए आपका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट देखने को मिलेगा यस yes, यार ओवरऑल आई एम ओके ओवरऑल आई एम फाइन हिमांशु थैंक्स यस अब क्या करते हैं भाई इतना सारा अगर इरोजन किया है रिवर ने तो डिपोजिशन भी करेगी ठीक okay. है क्या करेगी डिपोजिशन भी करेगी हु इज दिस गेमर हाई

आप जब अपनी यंग स्टेज पे हो तो आप कभी डोनेशन के बारे में सोचोगे नहीं क्योंकि आपके खुद के खर्चे और शौक इतने होते हैं कि आप कभी डोनेशन के बारे में नहीं सोचते ये तो रतन टाटा हैं जो डोनेशन के बारे में सोचते हैं क्यों क्योंकि ओल्ड स्टेज पे हैं डिपोजिशन होना नेचुरल है जब आप यंग स्टेज पे होते हो तो यू विल ट्राई टू इरोड ठीक है आप क्या करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना शुरू करेंगे इरोड मतलब मनी आप ही एक एग्जांपल ले सकते हैं जब आप यंग स्टेज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे जब आप ओल्ड स्टेज पे हो जाएंगे तो आप अपना वसीयत बना देंगे किसी को अडोप्ट कर लिया या किसी को डोनेट कर दिया ये डिपेंड करता है तो मतलब क्या हो गया यही रिवर का भी स्टेज है कि रिवर में क्या हो रहा है आपका इरोजन शुरू में क्या हुआ इरोजन ज्यादा हो रहा था डिपोजिशनल कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी इरोजन ज्यादा हो रहा था अब धीरे धीरे क्या होता चला गया बेसिकली इरोजन छोड़ के अब डिपोजिशन शुरू हुआ है तो एक बेसिकली बेसिकली यहां से क्या सवाल आता है यहां से सवाल ये आता है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो वो आपकी मेच्योर या ओल्ड स्टेज पे होगा ठीक है ओल्ड स्टेज पे होगा वट आफ्टर ओल्ड स्टेज ओल्ड स्टेज तो वो स्टेज होगी जिसमें आपकी रिवर जैसे रिवर जो है बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो गई बस खत्म हो गया रिवर स्टेज अब वो ओल्ड स्टेज तब आती है रिवर की जब वो अपने एंड पे होती है ठीक है या तो किसी और रिवर में मर्ज हो जाती है <coughs> या फिर किसी वोटर बॉडी में मर्ज हो जाती है मतलब रिवर उसके बाद में खत्म हो जाती है ठीक है ठीक है आई थिंक यू गॉट योर पॉइंट रिवर सूखेगा नहीं वो किसी वाटर बॉडी में मर्ज हो जाता है ठीक है ना तो वो ओल्ड स्टेज होती है रिवर की जैसे आपकी गंगा रिवर है सुंदरबन डेल्टा बनाती है उसके बाद में बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है तो इसके बाद तो बे ऑफ बंगाल कहलाएगी आपके वाटर का रिवर का कोई रोल नहीं रह गया उसके बाद में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो एलिवेल फैंस की बात करते हैं तो सबसे पहला डिपोजिशन के बाद में क्या फॉर्म होगा एलिवियल फैन फॉर्म होंगे एलिवियल फैन से क्या होता है देखते हैं ठीक है एल्यूवियल फैम्स फ्लोइंग फ्रॉम द हायर लेवल ब्रेक इन टू दुट स्लोप प्लेन ऑफ द लोअर ग्रेडियंट मतलब क्या हो रहा है एलिवियल फैन तब फॉर्म होते हैं जब आपका स्ट्रीम जो है जो स्ट्रीम कहां फ्लो कर रही थी हायर लेवल पे फ्लो कर रही थी अब वो क्या हो गई है आपके लो ग्रेडियंट पे आ रही है जैसे कि शिवालिक है आप एक एग्जाम्पल समझेंगे शिवालिक से जैसे रिवर बाहर निकलती है ना एलुएल फैन बनाती है ठीक है शिवालिक से जैसे रिवर बाहर निकलेगी ना तो आपका एल्यूएल फैन बनाएगी ठीक है दिस लोड बिकम्स टू हैवी फॉर द स्ट्रीम्स टू के बी कैर आउट जैसे आप गए होंगे ना काफी बार आपने देखा होगा नैनीताल में जाके आप बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचाते हो ठीक है उसका क्या मतलब होता है इतने बड़े बड़े पत्थर आए कहां से है वो एक्चुअली वो रिवर के अंदर ही आ रहे थे ठीक है वो क्या कर रहे थे के अन्... से जब रिवर आ रही थी ना तो रिवर के साथ में आ रहे थे वो। लेकिन अब जैसे से निकली, तो इतने बड़े पत्थर लेके चलना पॉसिबल नहीं है, है। इसलिए वो डिपॉजिट कर देती है तो डिपॉजिट करेगी तो यहां पे क्या होगा आपका छोटे छोटे फ्रेगमेंट भी डेवलप होंगे और वो एल्यूएल फैन की फॉर्म में होंगे ठीक है एल्यूएल फैन कहलाएंगे तो जो आपका ऑफ के ऊपर जो आपकी कैरेक्टर uh, डेवलप होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं एलुवियल फैन बोलते हैं यूजली स्ट्रीम्स विच फ्लो ओवर द फैन आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल्स ऑफ लॉन्ग एंड स्विफ्ट देयर पोजिशन अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मेनी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज अब क्या होगा जैसे कि

अब क्या होगा यहां पे ये यह क्या होता है जेंटल स्लोप होगा अगर ह्यूमिड एरिया ना तो यहां पे काफी जेंटल स्लोप होता है अगर ये ह्यूमिड एरिया है ड्रमलिन एक्चुअली सिंह ड्रमलिन जो है ना वो ग्लेशियर की आ, एजेंट के वजह से बनता है ड्र, ड्रमललिन जो बनेंगे वो ग्लेशियर से बनेंगे रिवर से नहीं बन पाएंगे ठीक है तो यहां ड्रमलीन डेवलप नहीं होगा ये क्या होगा इस टाइप की फॉर्मेशन होती है अगर ये ह्यूमिड एरिया है ना तो ये काफी जेंटल स्लोप होता है कारण ह्यूमिड एरिया के अंदर क्या होगा वेजिटेशन डेवलप हो जाता है अब जब वेजिटेशन डेवलप होता है तो यहाँ पे क्या होगा आपने पढ़ा था जब वेजिटेशन ज्यादा होगा तो बायोलॉजिकल वेदरिंग ज्यादा होती है जब वेजिटेशन ज्यादा होगा तो बायोलॉजिकल वेदरिंग ज्यादा होगी जब बायोलॉजिकल वेदरिंग ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्या होगा डिसोसिएशन हो गए बहुत जेंटल स्लॉप बनेगा वेदरिंग होके बहुत ही जेंटल स्लोप बनेगा लेकिन उसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा एरिया है जो कि एरिड है या सेमी एरिड है तो आप बताओ वहां पे क्या हमारे पास वेजिटेशन होगा नॉट पॉसिबल बहुत कम वेजिटेशन होगा अब वेजिटेशन नहीं होगा तो क्या वेदरिंग हो पाएगी उस लेवल पे तो नहीं होगी तो यहाँ पे स्टीप स्लॉप देखने को मिलता है तो क्वाइट सिंपल है ये रिलेटेड है आपके वेजिटेशन से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप का एलविएल फैन सेप डेल्टा बनता है ठीक है ना हवा जो अपन बा, काफी बार आपने देखा होगा ना जैसे कोई रॉयल मूवीज आती है ना उसमें क्या होता है साइड में दो लोग खड़े होते हैं और फैन से हवा कर रहे होते हैं राजा के वो फैन की शेप ऐसी होती है इसलिए इसको नाम दिया गया, गया एलविएल फैन ठीक है तो ये देखो आपका क्या हुआ हिमालय से रिवर आई जैसे यहां पहुंची तो उसको एकदम से लार्ज एरिया मिला तो आपका एक फैन सेप्ड डेल्टा जो है वो डेवलप हो गया इसको एलवीएल फैन का नाम हमने दे दिया क्वाइट सिंपल चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद आता है भाई डेल्टा तो डेल्टा कहां बनेगा डेल्टा फॉर्म होता माउथ ऑफ द रिवर पे डेल्टा फॉर्मेशन होती है डेल्टा आर ऑल्सो लाइक एल्यूल फैन एंड डेवलप्स इन द डिफरेंट लोकेशन है तो वही कैसा आपके एल्युअल फैन जैसा ही डेल्टा होता है लेकिन कहां फॉर्म होगा लोकेशन दोनों की अलग है आपका एल्युअल फैन फॉर्म हुआ हिमालयाज के फुटिल पे

डिपोजिट मेकिंग एल्यल फैन के अंदर क्या था स्ट्रटिफिकेशन नहीं था लेकिन यहां पर क्या होगा डिपोजिशन ऑफ डेल्टा वेरी वेल शोर्टेड क्योंकि काफी सारे फाइन मटीरियल ही डिपोजिट होते वेरी वेल शोर्टेड होता है बहुत ही पेनी प्लेन के फॉर्म में डेवलप होता है द कोर्सेस्ट मटीरियल सेटल आउट फर्स्ट मतलब लार्ज मटीरियल पहले सेटल होगा छोटे छोटे मटीरियल बाद में सेटल आउट होंगे डेल्टा डेल्टा ग्रोज द रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इंक्रीज इन लेंथ क्या करेगा बड़ा होता जाएगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी क्रिएट होती है ठीक है क्योंकि रिवर काफी काफी छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रीम्स में डेवलप uh, हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं रील्स बोलते हैं वापिस से वापिस से हम इसको क्या बोल देंगे रील्स की फॉर्मेशन होगी ठीक है फैन इज यूथ डेल्टा इज ओल्ड यस वी कैन से बिल्कुल सही है अंकित तो आप यहां देखो यहां पे क्या हुआ है रिवर गंगा आई ब्रह्मपुत्र सॉरी उसमें बे बंगोल में पहुंची और डेल्टा फॉर्मेशन हो गया अब छोटे छोटे स्ट्रीम्स के अंदर रिवर डिवाइड हो चुकी है अब रिवर एक फॉर्म में नहीं है छोटे छोटे स्ट्रीम्स के अंदर रिवर डिवाइड हो चुकी है क्वाइट सिंपल आगे बढ़ते हैं अब देखिए इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जैसे फ्लड प्लेन होता है वो क्या चीज़ है वो भी समझेंगे इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं नेचुरल लेवीज क्या होते हैं पॉइंट बार्स क्या होते हैं दोनों भी इंपॉर्टेंट है नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको भी समझेंगे नेचुरल लेविज और पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे ठीक है yes, सुंदरबन डेल्टा ठीक है ओके okay, ये सुंदरबन को सुंदरबन डेल्टा क्यों बोलते हैं मतलब सुंदरबन नाम कहां से आया फ्रॉम वेयर इट ऑरिजिनेटेड क्यों बोलते हैं सुंदरबन चलिए यहां बात कर लेते हैं आप लोगों को पता होगा आई एम वॉचिंग कमेंट बताना है आपको सुंदरबन क्यों बोलते हैं हम इसको <coughs> विपिन वाई सुंदरबन तो यहां देखिए फ्लड प्लेन नेचुरल लिवीज और पॉइंट्स बार के बारे में बात करेंगे ठीक है तो क्या बात करते हैं डिपोजिशन डिपोजिशन अ फ्लड प्लेन जस्ट एज इरोजन मेक्स अ वैली ठीक है क्या होता है आपका जैसे इरोजन से वैली बनी थी वैसे डिपोजिशन से क्या बनता है आपका फ्लड प्लेन बनता है फ्लड प्लेन एक्चुअली वो वाला एरिया होता है जहां पे रिवर जो है अपनी वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहां पे रिवर अपनी वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली फ्लड प्लेन यस बिल्कुल करेक्ट है, yes, है. Uh, आशीष ओके यू आर करेक्ट सिंह का कमेंट इज ओके आदित्य सिंह सिंह सुंदरी ट्री एक्चुअली क्या होता है जो आपका डेल्टा बनता है ना वहां पे एक ट्री है सुंदरी ट्री ठीक है सबसे ज्यादा डोमिनंस सुंदरी ट्री का ही देखने को मिलता है वहां पे दिस वाइज उसको सुंदरवन डेल्टा बोला गया है ठीक है अदरवाइज डेल्टा तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं लेकिन तो सुंदरी ट्री के डोमिनेंस की वजह से उसको सुंदरवन बोला गया है ठीक है

इसलिए क्या होता है फ्लड प्लेन या चैनल डिपॉजिट्स जो बोलते हैं ना यहाँ पे काफी ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है ठीक है ये काफी फर्टाइल एरिया होता है ठीक है ये काफी फर्टाइल एरिया होता है ठीक है ना तो इस एरिया के अंदर क्या होता है फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है नहीं मैंग्रूव तो और भी जगह मिलते हैं सुंदरी ट्री इज डोमिनेट मैंग्रूव का रोल नहीं है मैंग्रोव तो गुजरात में भी मिलते हैं मैंग्रोव तो उड़ीसा कोस्ट पे भी है ठीक है तो यहां पे क्या होगा काफी जेंटल होता है काफी फर्टाइल होता है और ये भी एक चीज और पता होनी चाहिए आपको एक रिवर ऐसे, ऐसे फर्टाइल हो इसका दोआब बोलते हैं दोआब दो, दो रिवर के बीच का एरिया जो है उसको दुआब बोला जाता है वो भी फ्लड प्लेन ही होता है और काफी ज्यादा फर्टाइल होता है ये डिपोजिशनल फीचर है ठीक है ग्रेट मिल जाएगा ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं द फ्लड डिपोजिट ऑफ द स्पिल्ड वाटर कैरी रिलेटिवली फाइनर मटीरियल लाइक सिल्ट एंड क्ले द फ्लड प्लेन इन अ डेल्टा आर कोल्ड एज डेल्टा प्लेन

यार रिवर तो तो का वो वाला एरिया जहां पे काफी ज्यादा डिपोजिशन सेडिमेंट का देखने को मिलता है वो फ्लड प्लेन कहलाएगा देखिए दोनों ही चीजें सेम है फिजिकली अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे लाइव फाउंडेशन बैच है ना आप वो ज्वाइन कर सकते हैं उसमें क्या होगा जैसे अभी तो हम और आप बात कर रहे हैं ना जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं तो अभी क्या हो रहा है आप सिर्फ आपके मैं कमेंट देख पा रहा हूं ठीक है हाँ विपिन मैं आपका ये आंसर दे रहा हूं तो अभी क्या होगा हम आप मैं सिर्फ आपके कमेंट देख पा रहा हूं लेकिन लाइव क्लास का फीचर जो है वो एक अच्छा फीचर ये है कि आपके साइड पे भी माइक है आपके पास ठीक है ना आपके साइड पे भी माइक है तो आपको जो भी बोलना है ना आप डायरेक्टली बोल सकते हो टाइपिंग की जरूरत नहीं है वहां पर ठीक है लाइव क्लास में आपको टाइप नहीं करना आपको अपना डाउट बोलना है तो जैसे आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना वैसे मैं आपकी आवाज भी सुन पाऊंगा हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे उस उसके चॉइस इज यर्स अगर आप अच्छे से ड्रेसअप होकर बैठते हो तो आप अपनी वीडियो भी ऑन कर सकते हैं ठीक है ना अदरवाइज आप अपना वीडियो म्यूट करके माइक पे भी बोल सकते हैं चॉइस इज योर्स तो वो चीज आपको मिलेगी तो इसलिए एडवाइजेबल है कि वहां पर हम उसका फायदा उठा सकते हैं ठीक है हाँ तो ये आपका फ्लड प्लेन रहेगा ठीक है अब इसके अलावा दो चीजें और थी जिसको कि नेचुरल लेवीज यस 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 दैट डिपेंड आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं नेचुरल लेवीज पॉइंट बार्स ठीक है नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार्स इसके बारे में भी बात करेंगे तो नेचुरल लेवीज और बार्स कैसे होंगे वो देखेंगे नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार आर समर्टेंट लैंडफॉर्मस फाउंड एसोसिएटेड विद द फ्लड प्लेन किसके साथ में होगा आपके एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन आपका ये होगा तो नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार भी आपके फ्लड प्लेन से ही एसोसिएटेड है अब क्या होते हैं उसको देखते हैं

हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको आराम से समझ आ जाएगा ठीक है देखिए देखिए जैसे मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करना चाह रहा हूं मैं यहां से ठीक है इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात करना चाह रहा हूं यहां पे देखना ठीक है एक क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर दोगे आपको यहां पे आंसर अपने आप आ जाएगा जैसे कि लेट्स आप एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ठीक है बाइक गाड़ी साइकिल वट आप खुद भाग दौड़ रहे हैं कोई भी केस हो सकता है और आपकी स्पीड अच्छी खासी है अब आपको लेना टर्न ठीक है मुड़ना है आपको तो आपको मुड़ने के लिए ज्यादा स्पीड पे मुड़ने के लिए रेडियस ज्यादा चाहिए या कम ही रेडियस में मुड़ जाओगे कमेंट बताइए आप स्पीड पे मूव कर रहे हैं आपको टर्न होना है टर्न होने के लिए आपको रेडियस ज्यादा चाहिए या कम क्योंकि आप स्पीड पे हैं बताइए कम स्पीड रेडियस ज्यादा चाहिए ना अगर मुझे स्पीड पे मूव करना है हाँ ज्यादा कर्व लेना पड़ेगा बिल्कुल ज्यादा ही कर्व लेना पड़ेगा बहुत बढ़िया अगर मेरे को स्मॉल कर पे मूव करना है तो मुझे स्लो होना पड़ेगा यह भी बात है फिर तो यह भी बात बिल्कुल सही है कि अगर मुझे स्मॉल कर पे मुड़ना है तो मुझे स्लो होना पड़ेगा और अगर बस इतनी सी बात समझ गए ना तो आप पॉइंट बार और नेचुरल लेविस दोनों समझ गए देखिए अब यहां देखिए जब ये रिवर ऐसे मूव कर रही थी तो रिवर का एक एंड तो यह है और एक वाला एंड ये है जब वाटर मूव कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए देखिए ये वाला वाटर तो कम ही रेडियस में मुड़ गया इस वाले वाटर को ज्यादा रेडियस मिली है जब ज्यादा रेडियस मिली है तो ये वाले ये वाले वाले वाटर वाटर की की स्पीड स्पीड ज्यादा होगी होगी कम और अगर इस वाटर की स्पीड कम हुई है तो क्या ये सेडिमेंट को डिपॉजिट नहीं करेगा बिल्कुल करेगा क्योंकि स्पीड कम होने से सेडिमेंट होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है तो ये सेडिमेंट को क्या करेगा डिपॉजिट करेगा जैसे ही इसने टर्न पे टर्न लेने पे इनसाइड पे जब आपकी रिवर टर्न करती है तो इनसाइड पे क्या होता है आपका डिपोजिशन होता है और टर्न ऐसे लिया तो इनसाइड पे डिपोजिशन टर्न ऐसे लिया इनसाइड पे डिपोजिशन इधर टर्न लिया तो इनसाइड पे डिपोजिशन डिपोजिशन सबको पॉइंट बार बोलते और उसकी अपोजिट जो साइड होती है ना ये वाली साइड इसको नेचुरल लेवी बोलते हैं, उसकी अपोजिट वाली साइड को नेचुरल लेवी बोलते हैं क्वाइट सिंपल, है, है, है। तो ये आपका नेचुरल लेवीज और पॉइंट बार का ठीक है मियनड्रिंग तो कैसे क्योंकि मियनड्रिंग मतलब ऐसे टर्न होना और उसी से आपका पॉइंट बार फॉर्म हो अब देख लेते हैं मियनड्रिंग क्या होती है फिर फिर क्या होता है नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मियड्रिंग क्या है उसको देख लेते हैं इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन रिवर रेयरली फ्लो इन द स्ट्रेट कोर्स लूफ लाइक अ चैनल ठीक है जैसे आप यहां देख रहे हैं रिवर क्या कर रही है चैनल की फॉर्म में कर रही है स्ट्रेट कोर्स के बजाय रिवर क्या कर रही है आपके चैनल की फॉर्म में मूव कर रही है तो एक जो आपके लार्जर फ्लड प्लेन होते हैं उनमें रिवर हार्डली ही क्या करती है स्ट्रेट लाइन पे फ्लो करती है वो क्या करती है मियनडरिंग करती है They are called as meanders and develop over the flood and delta plains. मियडर is not a landform but it is only a type of channel pattern. यहाँ कोई landform nahi नहीं hua हुआ land थोड़ी develop हुआ है वैसे तो हम लैंडफॉर्म को ही डिस्कस कर रहे हैं बट यहाँ कोई लैंड डेवलप नहीं हुआ बजाय इसके कि यहाँ पे क्या हुआ सिर्फ रिवर का चैनल की ही बात है रिवर इस तरीके से मूव कर रही है बस उसी को हमने क्या बोल दिया meandering बोल दिया ठीक है

फोर्स भाई आपका जो वोटर है वो भी तो क्या करता है अगर वोटर ने सामने से टर्न लिया है तो काफी लंबे टाइम तक वो टर्न नहीं ले पाएगा ठीक है तो, इस से आपका क्या? तो force, अब अर्थ तो भी रोटेट कर रही है तो वोटर स्टेट लाइन की बजाय फिर से कहीं ना कहीं टर्न दोबारा से लेगा तो कोरोलेस फोर्स भी इसके ऊपर इंपेक्ट डालता है ठीक है तो नॉर्मली मी अंडर द लार्ज रिवर लार्ज रिवर दिस इज एक्टिव डिपोजिशन अलॉन्ग द कॉन्केव बैंक एंड अंडर कटिंग अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक कॉनकेव कॉन्वेक्स को छोड़ो आप कौन मतलब अंदर वाला अंदर पे तो डिपोजिशन होगा और बाहर वाले पे क्या होगा कटिंग होगा समझ गए अंदर वाले पे डिपोजिशन बाहर वाले पे कटिंग क्वाइट सिंपल ठीक है तो ये देखो आप यहां ये रिवर क्या कर रही है यहाँ पे डिपोजिशन यह यहां पे कटिंग कर रही है यहाँ पे डिपोजिशन यहां पे कटिंग कर रही है यहां, 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 यहां डिपोजिशन क्या यहाँ कटिंग हो गई तो यहाँ डिपोजिशन तो यहाँ कटिंग तो रिवर इस तरीके से कटिंग करती है अब आप एक चीज देखो एक चीज मुझे देखना है यहाँ पे मियंडर मियंडर ठीक है यहां पे देखो क्या होता। है, ठीक है जैसे ये रिवर इस चला यहां देखो। यह, यह गैप काफी था। और ज्यादा इरोजन हुआ तो और गैप नैरो हो गया एक टाइम ऐसा आएगा इरोजन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये वाली जो लाइन है ना ये सीधी सीधी इसी से मिल जाती है ये बिल्कुल रह जाता है ठीक है क्या होगा पहले काफी ज्यादा गैप था इरोज़न इधर से भी एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों मर्ज हो जाएंगे और कहीं और मी करना शुरू कर देगी तो ये जो पोर्शन अलग हो गया अलग हो गया थी कुछ ऐसा दिखेगा इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं ठीक है अलग जो पोर्शन हो गया वो कुछ वैसा दिखेगा और क्योंकि ये एक तो लेक है लेक तो है ही पानी भरा हुआ है और नेचुरल सप्लाई है नहीं ये तो पानी स्टोर ही है लेकिन ये ऑक्सबो ऑक्सबो जो है वैसा दिखेगा तो इसलिए उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं ठीक है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे ऑक्सबो लेक के नाम से जानते हैं ठीक है तो ये भैया आपका था किस कौन सा वाला पार्ट ये आपका मूविंग पोर्शन था मूविंग वाटर था अब बात करते हैं ग्राउंड वाटर की ग्राउंड वाटर भी इरोजन करता है ग्राउंड वाटर भी डिपोजिशन करता है

ग्राउंड वाटर तो ग्राउंड वाटर का हमें क्या करना है अभी हमें लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करनी है ठीक है हमें उसके ऊपर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करनी है यहां पे ठीक है तो बात कर लेते हैं ग्राउंड वाटर के ऊपर ग्राउंड वाटर पे आपका लैंड फॉर्म डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं द सर्फेस ऑफ वॉटर परकुलेट वेल वेन द रॉक्स आर परमिएबल थी बेडेड एंड हाईली ज्वाइंटेड क्रैक अगर मान लो क्रैक है काफी सारे क्रैक्स हैं आपकी सॉइल में तो ऑब्वियसली बात है वाटर जो गिरेगा वो नीचे परकुलेट होगा जब नीचे परकुलेट होगा तो काफी सारे क्लियर पाथ निकलेगा और काफी सारे लैंडफॉर्म्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन सम डेप्थ द वोटर अंडरग्राउंड फ्लोज हॉरिजॉन्टली थ्रू दी बेडिंग प्लेन्स और नीचे से आपका जब मूव करेगा वोटर तो मैकेनिकली क्या करेगा या फिजिकली काफी सारे लैंडफॉर्म डेवलप करेगा ऑब्वियसली जब वो नीचे से जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा काफी सारा इरोजन करेगा वाटर जब परकुलेट हुआ है तो नीचे भी तो इरोजन होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इरोजन होता है दूसरा देखिए क्या होता है मोस्टली जो है आपका ये अंडरग्राउंड वाटर किस टाइप की टॉपोग्राफी लाइमस्टोन टाइप की टॉपोग्राफी जो होती है ना उसमें ज्यादा आपके लैंडफॉर्म डेवलप करता है तो लाइमस्टोन टॉपोग्राफी क्योंकि लाइमस्टोन टॉपोग्राफी केमिकली एक्टिव होती है

तो देख लेते कि हैं शेलो uh, होल्स कि आपका वहाँ पे क्या? बने थे ना, जैसे वैसे ही शैलो होल्स बनते हैं वाटर नीचे परकुलेट डाउन करेगा होल पूरा डेवलप हो जाएगा उसी को क्या बोलेंगे हम शैलो होल्स बोलते हैं ठीक है उसी को हम क्या बोल देंगे शैलो होल्स बोल देंगे सिंक होल्स आर वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन कास्ट इनको क्या बोलते हैं सिंक होल्स बोलते हैं सिंक होल इज एन ओपनिंग मोर लेस सर्कुलर एट द टॉप एंड फनल शेप टूवर्ड्स द बॉटम ठीक है ऊपर से क्या होगा सर्कुलर नीचे फनल शेप होगा इस टाइप की जो ओपनिंग होती है उसी को क्या हम क्या बोलते हैं सिंक होल का नाम दे दिया जाता है क्वाइट ऑफन सिंक होल्स आर कवर्ड विद कई बार क्या होते हैं शेलो पुल की तरह नजर आते हैं पानी भरा हुआ होता है पानी खड़ा रहता है उसके अंदर इस टाइप का होता है लेकिन बहुत डेंजरस होता है उसको यूज करना क्योंकि हमें आइडिया नहीं होता है कि कितने डेफ तक मिल सकता है क्योंकि लाइम स्टोन टॉपोग्राफी ज ऑल्सो नेम्ड एज ब्लाइंड टॉपोग्राफी एक चीज इंपोर्टेंट है याद रखना लाइमस्टोन टॉपोग्राफी को हम ब्लाइंड टॉपोग्राफी बोलते हैं कि टॉपोग्राफी कितनी डेप्थ तक मिल सकती है ठीक है कोई डेप्थ का आइडिया हमें यहां पे नहीं होता है ठीक है तो इसको ब्लाइंड टॉपोग्राफी बोलते हैं एनी बडी स्टेपिंग ओवर सच पुल्स वुड गो डाउन लाइक इट है क्विक सेंड

सोल्यूशन ऑफ एक्टिविटी टू दबर ज्वाइंट कहां पे बनते हैं अब देखो क्या होगा यहाँ पे ये जो आपके रेजेस है या ट्रेंचे हैं वो वहीं बनेंगे जहां पे आपकी पैरल टोपोग्राफी डेवलप हो रही होंगे क्योंकि काफी सारा वोटर एक दूसरे के साथ में फ्लो कर रहा होता है धीरे धीरे मर्ज होते, होते होते वो लार्ज केव के डेवलपमेंट करते हैं लास्टली क्या होता है ब्लाइंड टोपोग्राफी का सिंपल सा मीनिंग सलीना ये है कि वहां पे हमें आइडिया नहीं होता कि वो कितनी डेप्थ तक मिलेगी तो लाइम स्टोन जहां पर होगा ना जहां पे सॉइल लाइम स्टोन टाइप की होगी मतलब जिस सॉइल में कैल्सियम कार्बोनेट ज्यादा होते हैं वहां पर ब्लाइंड टॉपोग्राफी बनती है ब्लाइंड इसलिए क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं होता कि कितनी डेप्थ तक ये टोपोग्राफी मिल सकती है ठीक है हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा जो डेवलप होते हैं या लाइमस्टोन स्टोन जो डेवलप होते हैं वो तभी होंगे जब आपका इवेपोरेशन होगा क्योंकि हुआ क्या कैल्शियम कार्बोनेट अब अब हो हो गया हो के केव है आपके पे, पेनी वो तो डेवलप जब वाटर इवेप्रेट होगा तभी तो कैल्शियम वापिस से डिपोजिट हो पाएगा और जब वापिस डिपोजिशन होगा तो ये इवेप्रेशन से ही डिपोजिशन हो पाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो इस टाइप की टोपोग्राफी मिल जाती है आपको वोटर है यहाँ से सिंक करना शुरू किया था वोटर आप देखो वोटर कहाँ स्प्रेड कर गया ठीक है वोटर अलग अलग पेस्ट के ऊपर जो है वो स्प्रेड हो जाता है अब यहाँ पे क्या होगा ये जो स्टेलेसाइड स्टेलिक देख रहे हो ना इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से ये क्या है ये क्या है आपका स्टेलेसाइट और स्टेलेगमाइट वगैरह ना ये है डिपोजिशनल अभी तो हम इरोजन के बारे में बात कर रहे हैं डिपोजिशन पे आएंगे तो स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्साइट भी आ जाता है तो केव कैसे के फॉर्म होती है एरियाज वेयर इज अ अल्टरनेटिंग बैड ऑफ रॉक्स दैट इज देखिए कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहां पे सेल्स होता है सैंडस्टोन्स होता है क्वाड होता है मतलब वहां पे क्या होता है हर एक जगह पे लाइमस्टोन टोपोग्राफी टॉपोग्राफी नहीं होती केव कहां पे डेवलप होंगी जिस जगह पे क्या होगा विद इन द लाइमस्टोन टोपोग्राफी अलग-अलग टाइप की मटेरियल है शेल्स हैं सैंडस्टोन्स है क्वार्टजाइट है, है तो कुछ मटेरियल काफी हार्ड होते हैं कुछ मटेरियल क्या होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं जो मटेरियल जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं उसके बाद में एक बेस डेवलप होता है वो बेस क्या करता है केव की फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो यहां पे क्या होगा आपका

लेकिन अब हार्ड रॉक आ गया है तो अब इससे आगे तो सीपेज होगा नहीं सीपेज नहीं होगा तो ऊपर वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है होलो हो गया है और वो केव की फॉर्मेशन करेगा क्योंकि अब वाटर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा देखिए जब वर्टिकल वर्टिकल मूवमेंट खत्म हो गया ना जब वर्टिकल मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया तो उसके बाद में क्या होगा आपका वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा ठीक है वर्टिकल बंद हो गया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा अब वाटर जब वर्टिकली मूव कर रहा था तो सिंक होल बनाया अब आ गया हार्ड रोक जब वर्टिकल मूव मोशन की बजाय स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा तो वो केव बनाएगा ठीक है देयर कैन बी ए मेज ऑफ द केव एट डिफरेंट एलिवेशन देयर कैन बी अ

तो दिक्कत हमें खत्म करनी है दिक्कत खत्म करने के लिए क्या करेंगे यहां पर देखो वर्ड जी जी वर्ड का मतलब होता है है ग्राउंड ग्राउंड ठीक जी से मतलब तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड से शुरू हो रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है उसको बोलूंगा अब अपने आप समझ आएगा दूसरा बच गया वो है दूसरा बच गया वो क्या होगा होगा विपिन स्टेलिस वाले नाटक में देखा होगा जरूर हाँ जो आपका वो था ना शेर खान शेर खान मोगली के नाटक में जिस गुफा में रहा करता था उसमें स्टेलग साइट और स्टेलग माइट थे ऐसा विपिन का कहना है ठीक है तो विपिन आपको लिंक दे देंगे अगर किसी को देखना है तो आप देख सकते हो मोगली नहीं स्टेलसाइट और स्टेल माइट अब देखो क्या होता है कई बार जोक्स अपार्ट देखिए क्या होगा यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिरते रहेंगे इवेपोरेट होते रहेंगे ये पिलर बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा कई बार क्या होगा ये स्टेलेक्साइट और स्टेलेगमाइट इतने पुराने हो जाते हैं कि ये दोनों मिल जाते हैं एक दूसरे से क्या होगा ये दोनों पिलर एक दूसरे से क्या होंगे ये दोनों स्टेलेक्साइड और स्टेलेग्माइट काफी लंबा टाइम हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा एक दूसरे से मीट कर जाएंगे मीट कर जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा उसको कॉलम या पिलर बोलते हैं ठीक है तो तीन ही चीजें होती है स्टेलेक्साइट स्टेलेग माइट और पिलर तो पिलर क्या होगा स्टेलेसाइट ऊपर से स्टेलिक नीचे से दोनों अगर मीट करेंगे तो पिलर की फॉर्मेशन हो या कॉलम की फॉर्मेशन हो गई नेक्स्ट भी होती है एजेंट ग्लेशियर ठीक है अब लाइमस्टोन टोपोग्राफी के अलावा एजेंट हो सकता है ग्लेशियर तो ग्लेशियर भी आपका क्या करता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट करता है देखते हैं द द मासिस ऑफ आइस मूविंग एज अ शीट ओवर लैंड ठीक है एक दूसरे स्लाइड करते हैं मेल्टिंग होती है ग्लेशियर स्लाइड करता है तो उससे क्या डेवलप हो जाएगा आपका उससे भी तो कुछ लैंडफॉर्म डेवलप होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे लैंडफॉर्म्स थ्रू ग्लेशियर्स

ज्यादा फ्लो करता है लेकिन ग्लेशियर के अंदर तो फिजिकल कैपेसिटी फिजिकल बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए ग्लेशियर ज्यादा फास्टली मूव नहीं कर पाते हैं तो वो स्लोली मूव करते हैं ठीक है आप स्लोली मूव करेंगे तो ग्लेशियर मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्योंकि ज्यादा ग्लेशियर के नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा जब ग्लेशियर की जो अडेसिव कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा ग्लेशियर मूव करना शुरू कर देता है ठीक है मटीरियल प्लग्ड फ्रॉम दी लैंड बाय द ग्लेशियर गेट ड्रैग्ड अलोंग द फ्लोर्स द साइड ऑफ द वैली एंड कोज अ ग्रेट डैमेज थ्रू और प्लकिंग अब देखो इतना लार्ज मास अगर मूव करेगा ऑल टूगेदर तो क्या वो आपके इरोजन नहीं करेगा बिल्कुल करेगा और जब वो कहीं जाके रुकेगा तो डिपोजिशन भी करेगा तो बिल्कुल फाइन डिपोजिशन भी होगा तो यहाँ पे डिपोजिशन भी होता है और आपका क्या होता है आपका इरोजन भी होता है थोड़े डिस्टेंस के बाद में क्या होगा आफ्टर सम एक्सटेंट ग्लेशियर मूव करना बंद कर देगा उस केस में क्या होगा वो डिपोजिशन भी करेगा डिपोजिशन से आउटवोस्ट प्लेन वगैरह बन जाते हैं ठीक है थीके? तो बेसिकली अब देखते हैं कि कौन से कौन से इरोजना लैंडफॉर्म ग्लेशियर डेवलप करता है तो सबसे पहले होता सर्क ये क्या होता है मोस्ट कॉमन लैंडफॉर्म है ग्लेशियड माउंटेन के अंदर सर्क ऑफ द ग्लेशियल वैली कहा मिलेंगे आपके हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली पर सर्क जो है वो मिल जाते हैं देयर कैन बी टू और मोर सर्क वन लीडिंग अनदर डाउन बिलो द ठीक है एक बार पिक्चर दिखाता हूं आपको फिर समझ आएगा यहां देखिए <coughs> देखो क्या होता है यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअली

अब ऐसा करते करते क्या होंगे काफी सारे एक दूसरे से मर्ज होंगे और एक पूरा पीक बना देंगे ना एक सर्क दो सर्क तीसरा चौथा इनकी बाउंड्री को हम आर्ट बोलते जाएंगे तो रिपीटिटली काफी सारे ज्वाइन होंगे और यहां पे क्या होगा हॉर्न बना देंगे टॉप मोस्ट पॉइंट जो है एक सिंगल पॉइंट बच जाएगा और एक सिंगल समिट बच जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम हॉर्न बोलेंगे ये पिक्चर आप यहां देख सकते हो ठीक है ये ये बाउंड्री एक सर्क है ये एक सर्क है इसके बीच की बाउंड्री को आर्ट बोला है और ये काफी सारे सर्क मिलकर क्या कर रहे हैं आपका हॉर्न बना रहे हैं काफी सारे सर्क मिलके क्या कर देंगे आपका हॉर्न बना देंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल जाता है ग्लेशियर वैली के अंदर ठीक है तो क्या होगा सर्क तो मैंने बताया अब क्या होगा हॉर्स या रीजेस का क्या मतलब होता है तो होन्स क्या है आपका द होर्न फॉर्म थ्रू दी हेडवर्ड इरोजन ऑफ दी सर्क वॉल्स काफी सारी सर्क वॉल्स जो है वो क्या करेंगी हेडवर्ड इरोजन होगा तो फिर आपका हॉर्न की डेवलपमेंट होती है ऐसे ही आपकी ग्लेशियल वैलीज या ट्रफ होती है जैसे रिवर की वैली बन रही थी ना ऐसे ही ग्लेशियर भी क्या करते हैं आपका वैली बनाते हैं लेकिन एक चीज याद रखना ग्लेशियर की वैली क्या होती है यू शेप्ड वैली होती है ग्लेशियर की वैली कैसी होती है यू शेप्ड वैली आपकी ग्लेशियर की वैली होती है, ग्लेशियर की वैली V-शेप्ड वैली नहीं होगी ठीक है ग्लेशियटेड वैली आर ट्रफ लाइक और यू शेप्ड वैली आप बता सकते हैं कि ग्लेशियर की वैली वी शेप्ड क्यों नहीं होगी

होर्न पैरामिड शेप होगा जो मेन वैली होती है ना मेन जो वैली है उसमें से कई बार छोटी छोटी काफी सारी वैली भी आके गिर रही होती है जैसे एक तो मेन रिवर जैसे लेफ्ट से एक रिवर फ्लो कर रही है अब रिवर के अंदर क्या होगा छोटी छोटी काफी सारी और भी स्ट्रीम्स आके मिलती हैं तो वहां पे क्या होता था तो वाटरफॉल बनता है ना ऐसे ही यहाँ पे क्या बनता है आपका जब छोटे छोटे जो आपके ग्लेशियर्स के पार्ट मेल्ट होके मेन पार्ट में गिरते हैं तो उसको हैंगिंग वैली बोलते हैं ठीक है क्या होगा उसका पोर्शन को हम हैंगिंग वैली बोलते हैं तो यहाँ पे हैंगिंग वैली की फॉर्मेशन भी होती है ठीक है तो तो ये 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 आप पे पे देखो यू शेप्ड वैली वैली पूरा बना हुआ है है से जो जो आएगी और यहां पे जो कुछ हेड ऑन होगा तो क्या कर रही है? पूरे हाइट से जाके नीचे गिर रही है इसलिए इसको हैंगिंग वैली बोला जाता है ठीक है इवन देखो जब आपकी जैसे वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकलती है ना आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट काफी ज्यादा हाइट पे है इसलिए वहां से जो रिवर निकलती है वो काफी ज्यादा हाइट से आपके अरेबियन सी के अंदर गिरती है ठीक है वहां पे आपके वेस्टर्न घाट के जो रिवर है वो काफी हाइट से जाके आपके अरेबियन सी में गिरती है और हाइट से जब वो अरेबियन सी में गिरती है तो उस टाइम पे मैं उसको क्या बोलता हूँ आपका हैंगिंग वैली बोलता हूँ ऐसे यहां पे जब आपका ग्लेशियर हाइट से गिरेगा तो वो हैंगिंग वैली कहलाएगा ठीक है अब डिपोजिशन की बात कर लेते डिपोजिशन क्या करेगा तो डिपोजिशन क्या होगा अनअसोर्टेड कोर्स एंड फाइन एवरेज ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर इज कॉल्ड द ग्लेशियल टील ठीक है तो क्या होगा भाई जैसे ग्लेशियर जो तो है वो मूव करते करते कई बार मेल्ट आउट भी हो जाते हैं जब मेल्ट आउट हो जाएंगे तो जो सेडिमेंट डिपॉजिट करेंगे उनको बोलते हैं टिल डिपॉजिट और ये काफी फर्टाइल होते हैं यहां पे आपका कश्मीर रीजन के अंदर जो टिल डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर हम एप्पल का कल्टीवेशन करते हैं हिमाचल में भी किया जाता तो ये टिल जो है वो काफी होते। सोयल ही तो ग्लेशियर भी कट डाउन तो आपके हिमालय को ही करके ला रहे एलुवियल तो डिपॉजिट यहां पे देखने को मिल जाता है सच ग्लेशउटवोस डिपॉजिट जैसे आपका वो फैन सेप्ड डेल्टा था ना रिवर जैसे ही आपके हिमालय से बाहर निकली थी क्या बना था आपका फैन सेप्ड

टर्मिनल मोरेंस आर लॉन्ग रीजेस हाँ देखिए मोरन लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवाइड होते हैं जैसे कि ग्लेशियर के अगर टर्मिनल मोरिंग कहीं इन बिटवीन मोरन डेवलप हुआ तो उसको यंग मोरिन बोलते हैं तो ये डिपेंड करता है आपका कि moraine की मोरन की पोजिशन या कंडीशन सिचुएशन पॉजिशन क्या है उसी के ऊपर मोरन अलग अलग टाइप के रहेंगे लेट्रल मोरिन फॉर्म्स अलॉन्ग द साइड ऑफ द पेरल लेट्रल मतलब साइड इोजन तो अगर मोरिन्स आपका साइड में डेवलप होता है लेटरल मोरिन बोलेंगे एंड में डेवलप होता है एंड मोरिन बोलेंगे मीडियम मिड में डेवलप होता है, तो मीडियल मोरिन बोलेंगे तो ये मोरिन अलग अलग टाइप के होंगे हो सकता है एंड मोरिन हो सकता है मीडियल मोरिन हो सकता है ये पोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑल टूगेदर एक होता है स्कर्स ये क्या होते हैं ग्लेशियर मेल्ट इन समर द वॉटर फ्लोज ऑन द सर्फेस ऑफ द आइस एंड शिफ्स डाउन अलोंग द मार्जिन और इवन मूव थ्रू द होल्स इन द आइस

मूवीज में जरूर देखा होगा कि कई बार बंदा जो है बर्फ के ऊपर चल रहे होते हैं ठीक है और एक आर ब, एक आध बंदा क्या होता है बर्फ के अंदर चला जाता है और फिर वापस से बर्फ ऊपर कवर कर लेती है और नीचे वो पानी में चला जाता है तो हुआ क्या है एक्चुअली ये एक्चुअली जो आपका सॉरी गिव मी यहां पे देखो जो आपका नीचे लिक्विड देखने को मिलता है जो आपका बेसिकली मेल्टेड जो आपका ग्लेशियर देखने को मिलता है वो स्कर्स डेवलप करता है क्योंकि वो एक लाइक रिवर होती है जैसे आपकी रिवर ग्राउंड पे फ्लो कर रही है ना वैसे ही आपकी रिवर बॉटम ऑफ ग्लेशियर पे भी फ्लो करती है उसको हम क्या बोलते हैं स्कर्स की डेवलपमेंट बोलते हैं ठीक है ठीके? तो वो आपका क्या करती है फ्लो ओवर द ग्राउंड नॉट इन द वैली कट इन द ग्राउंड विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक वेरी कोर्स मेटीरियल डिपोजिट होंगे ना उनके डिपोजिशन से जो डेवलप होता है, से, वो है तो मतलब ग्लेशियर के मेल्ट होने से जो स्ट्रीम बनती है उसके डिपोजिशन से जो आपके सेडिमेंट डेवलप होंगे वो आपके इस्कर्स कहलाएंगे आउटवोर्स प्लेन क्या होता है तो मैंने पहले ही बताया था आउटवोर्स प्लेन कैसा होगा जैसे आपका फैन सेप्ड डेल्टा बना था ना वैसे ही आपका एलिवियल फैन सेप डेल्टा बना था वैसा ही आपका क्या होगा जो आपका एल्यूवियल फैन बना था वैसा ही आपका आउटवर्स प्लेन होगा बस डिफरेंस इतना है आउटवोस प्लेन किससे बना है आउटवोस प्लेन बना है किससे आपका आउटवर्स प्लेन बना है ग्लेशियर से और आपका जो एल्यूवियल फैन है वो बनता है रिवर से ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना दोनों में डिफरेंस है ठीक है राइट कमल जोशी आपका इतना बड़ा कमेंट देख के आई एम फोर्स टू रिप्लाई यू फर्स्ट लिसन टू मी कपिल डॉट भारद्वाज कपिल डॉट भारद्वाज सॉरी ये थोड़ा आप कपिल भारद्वाज ट्वेंटी या फिर कपिल डॉट भारद्वाज एट द रेट स्टडी आई क्यू डॉट कॉम आप इस पर मेल डाल देना स्टडी आई क्यू डॉट कॉम कपिल डॉट भारद्वाज एट स्टडी आई डॉट कॉम ठीक है कमल इस पे अपना नंबर मेल डाल देना दिस इज माय पर्सनल मेल आईडी डी कपिल डॉट भारद्वाज एट स्टडी आई ठीक है आई विल गेट द थिंग्स अरेंज्ड ठीक है ओके okay, कमल तो यहां पे क्या होगा फ्लैट एलुवियल फैन शेप्ड डेल्टा बनता है ये डिफरेंस जो है यहां पे देखने को मिल जाता है

जो हैं बेसिकली दे आर आल्सो एज ब्लंटर्स ठीक है होता क्या है जैसे आपके जो ग्लेशियर्स मूव करते हैं ना तो जो सेडिमेंट होते हैं ना वो एक रो में अरेंज हो जाते हैं कैसे क्योंकि ग्लेशियर जब जैसे जैसे मूव करता रहेगा वो अदर मटेरियल को जो हैवी मटेरियल उनको साइड में डिपॉजिट करता चला जाएगा जो हैवियर मटेरियल एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में डेवलप होते हैं स्ट्रेट लाइन फॉर्म में डिपॉजिट जो होते हैं वहां पे क्या होगा आपका वो ड्रमललिंग कहलाएंगे ठीक है आज वो अपडेट हो जाएगा सलीना सब कुछ अपडेट हो जाएगा आज आपके उसके ऊपर ठीक है? जो आपका one end होगा जहां से आपका शुरू हुआ है क्या आपका बेसिकली जो बोलते हैं स्टोर्स और जो एंड पॉइंट होगा ड्रमलिन का जिससे आगे एक्सटेंशन नहीं है उसको बोलते हैं टेल ऑब्वियसली पूछ बिल्कुल एंड में होती है तो वो टेल नाम दे दिया उसको हमने ठीक है ड्रम फॉर्म्स ड्यू टू द द डंपिंग ऑफ रॉक जो heavily, uh, जो हैवीली लोडेड आइस होती है उसी के डिपोजिशन से बन पाते हैं अदरवाइज तो हर एक जगह पे के फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं तो आप यहां देख सकते हैं ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट देखिए काफी ब्रॉड पार्ट है ये आउटवर्स प्लेन की डेवलपमेंट करता है ठीक है ये आउटवर्स प्लेन की डेवलपमेंट करता है और ये जो स्मॉल पार्ट है ये स्कर्स की डेवलपमेंट करते हैं ठीक है क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड अब देखिए भाई जो आपकी वेव्स और करंट जो होते हैं मतलब ओशियंस की जो वेव्स आती हैं वो भी तो आपका डिपोजिशन भी करेंगी और आपका इरोजन भी करेंगी ओशियंस वेव जब टकराएंगी तो वो डिपोजिशन भी करेंगी और आपका क्या करेंगी बेसिकली डिपोजिशन भी करेंगी और इरोजन भी करेंगे तो ये दोनों बेसिकली हो सकते हैं ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं कि वेव और करंट जो है वो किस टाइप से आपका इन्फ्लुएंस करते हैं किसको इरोजन को और डिपोजिशन को

की से इनके हो चुके हैं और काफी इंपैक्ट होने की वजह से काफी लैंड फॉर्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं अदर देन द एक्शन ऑफ द फॉर्म्स डिपेंड अपॉन व्हाट कॉन्फिगरेशन ऑफ द लैंड एंड सी फ्लोर कॉन्फिगरेशन मतलब कि हो सकता है बिल्कुल आपके पैरेलल टू बेसिकली कॉन्फिगरेशन का मतलब रॉकी स्ट्रक्चर जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखो वेस्टर्न घाट के अंदर स्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता ना इरोजन ज्यादा होता है लेकिन ईस्टर्न घाट में ज्यादा होता है तो वो टॉपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करेगा वेदर द कोस्ट इज मतलब इमर्जिंग है या फिर रिट्री या समर्जिंग है कई बार अपलिफ्टमेंट चल रहा होता है कोस्ट का या फिर सब्सिडेंस चल रहा होता है तो ये भी डिपेंड करता है इस पर भी आपका लैंडफॉर्म डेवलप करेगा रोकी कोस्ट है या फिर लो और स्मूथ कोस्ट है इसके ऊपर भी डिपेंडेंसी होगी रोकी कोस्ट होगा इरोजन ज्यादा होता है स्मूथ है तो डिपोजिशन ज्यादा होता है

सॉफ्ट uh, मटेरियल होता है तो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे इरोजन काफी ज्यादा हो जाता है और कुछ एरियाज काफी यूनिफॉर्म होते हैं तो मतलब इरेगुलर बाउंड्री जो है वो डेवलप होती है जब रॉकी स्ट्रक्चर होता है तो इन केस ऑफ रॉकी स्ट्रक्चर इरेगुलर बाउंड्री डेवलप होती है जिसको ग्लेशियल वैली के नाम से जाना जाता है ठीक है द सोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स इनिशियली इरोजन फीचर्स इज डोमिनेटिंग भाई इनिशियली तो क्या होगा इरोजन होंगे क्योंकि वेव काफी स्ट्रांग होती है धीरे धीरे काफी सारा सेडिमेंट जब आने लग जाएगा इरोजन की कैपेसिटी और रेट काफी बढ़ जाएगा तो फिर डिपोजिशन होना भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा तो स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है आपके धीरे धीरे डिपोजिट होना शुरू होंगे उससे हम ये कह सकते हैं कि एक वेव कट टेरिस बन जाएगा ठीक है शुरू में तो सिर्फ क्या हो रहा है आपका इरोजन हो रहा है लेकिन धीरे धीरे जब डिपोजिशन शुरू होगा तो वेव कट टेरेस बनेंगे मतलब आपका स्टेप्स बन जाएंगे क्योंकि लार्जर जो पार्टिकल है वो बहुत पहले डिपोजिट हो जाएंगे स्मॉलर पार्टिकल धीरे धीरे ऑफ की तरफ डिपोजिट होंगे स्मॉलर पार्टिकल का लेवल कम रहेगा लार्जर पार्टिकल का लेवल हाई रहेगा तो आपके वेव कट टेरिस बनते हैं ठीक है डिपोजिशन से वेव कट टेरिस बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है याद रखोगे आप इसके अलावा एज द इरोजन अलोंग द कोस्ट टेक्स प्लेस अ गुड सप्लाई ऑफ मटेरियल बिकम्स अवेलेबल टू द लॉन्ग करंट ऑब्वियसली जब इरोजन होगा रॉक्स का तो एक अच्छी सप्लाई किसकी मिल जाएगी आपको सेडिमेंट्स की अच्छी सप्लाई होगी और आपका जो एक्सटेंडेड प्लेन है वो इंटीरियर ऑफ ओशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे बार्स आर सम्मर्द फीचर्स व्हेन द बार्स शो अप अबव द वाटर दे आर कॉल्ड एज बैरियर बार्स तो क्या होंगे जब आपके सेडिमेंट काफी सारे डिपॉजिट होंगे ना तो बार डेवलप होते हैं बार क्या होते हैं बार होता है कि अपलिफ्टेड फीचर जो कि वाटर से बाहर नहीं है ड्रोन है लेकिन जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ता रहेगा तो क्या होगा बार ऊपर की तरफ आ जाएगा जिसको कि बैरियर बार बोलते हैं इवन बैरियर बार आपके कोराल रीफ से भी बनता है सिर्फ डिपोजिशन से ही नहीं कोराल रीफ से भी आपका बैरियर बार बनता है तो बैरियर बार दोनों जगह पे पॉसिबल डेवलपमेंट है इसके अलावा लेगून भी

ठीक है नेक्स्ट अगर ये तो था रोकी फीचर्स जहां पे रॉक्स हैं, अगर लो सेडिमेंट है अगर कोस्टल एरिया लोअर है तो क्या होगा अलोंग द लो सेडिमेंटरी कोस्ट रिवर अपियर्स टू एक्सटेंड थ्रू लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन और डेल्टा हाँ यहां पे क्या बनता है आपका डेल्टा फॉर्मेशन होता है अब डेल्टा जैसे कि आपका डेल्टा से ही आपके क्या बन सकते हैं आपके पॉइंट बार बैरियर बार स्पीड्स या लगूनस बन सकते हैं लेकिन डेल्टा कैसे फॉर्म होता है जैसे रिवर्स है काफी सारा सेडिमेंट लेके आई वहां पर डिपोजिट किया इसके अलावा जो वेव आ रही है वो भी क्या करेंगी सेडिमेंट लेके आएंगी और क्योंकि डेल्टा है तो काफी जेंटल स्लोप हो चुका है तो वो भी स्पीड कम हो चुकी होगी और वहां पर क्या होगा

जाएगा, तो वो क्या होगा? क्लिफ होगा, क्योंकि हाइट तक तो माउंटेन वैसे भी कोस्टल एरिया में नहीं होते इंक्रीज होगा और आपकी माउंटेन कट आउट हो जाएगी थर्टी मीटर से ज्यादा का क्लिफ नहीं होता अब इसके बाद में क्या होगा जब आपके क्लिफ फॉर्मेशन हो रही है ना क्लिफ फॉर्मेशन हो रही है तो नीचे वाला प्लेटफॉर्म बिल्कुल क्या हो जाता है पेनी प्लेन डेवलप होता है मतलब उसमें कोई फीचर बचता ही नहीं है जब वो पहली प्लेन डेवलप होता है उस पेनी प्लेन को क्योंकि वो वेव एक्शन से बना इसलिए उसको वेव कट टेरिस बोलते हैं उस पेनी प्लेन को क्या बोलेंगे हम वेव कट टेरिस के नाम से जाना जाता है द लेशिंग ऑफ द वेव अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ एंड द रोक डेब्रिस्ट दैट गेट स्मैस्ड अगेंस्ट द क्लिफ अलोंग द लेशिंग वेव क्रिएट अ होलो एंड दीज होलो गेट वाइडन एंड वाइड टू फॉर्म सी केव्स अब क्या होगा देखिए वहां पे क्या हुआ एक आपका पेनी प्लेन डेवलप हो गया है अब आपकी रॉक्स सामने हैं तो क्या होगा धीरे धीरे इरोजन किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है जहां पे भी आपका सॉफ्ट रोक होगा वहां पे पॉइंट पे कंसंट्रेशन आपके बेसिकली इरोजन का शुरू हो जाएगा और एक केव डेवलप हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं सी केव के नाम से जाना जाता है ठीक है अब सी केव भी धीरे धीरे इतना ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है तो फाइनली ये लीड करेगा इस टाइप के स्ट्रक्चर को जो कि आर्क कहलाएगा अब आर्क में भी क्या होगा जब इरोजन चलता रहेगा तो ये पूरा जिस दिन समर्ज हो जाएगा ये पूरा पीलर जिस दिन समर्ज हो जाएगा तो सिर्फ एक क्या बचेगा एक स्ट्रॉग पीलर बचेगा जिसको स्टैक बोलते हैं

अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्योंकि कटिंग की है तो सेडिमेंट आए हैं सेडिमेंट तो डिपोजिट भी होंगे डिपोजिट होंगे तो देखते हैं बीचेस और ड्यून्स बनते हैं बीचेस और ड्यून्स का सिंपल सा मीनिंग है बीचेस आपने देखे ही होंगे काफी ज्यादा रेगुलर और काफी यूनिफॉर्म सरफेस होता है तो वो बीच कहलाता है कैसे होगा आपकी वेव जाएगी सेडिमेंट लेके आएगी डिपोजिट करेगी बहुत ही फाइन मटीरियल होता है डिपोजिट होता है कोई फीचर देखने को नहीं मिलता है ऐसे ड्यून्स बनते हैं जैसे आपका ड्यून्स का क्या मतलब होता है कई बार जैसे लगून जो बने हुए हैं वहां पे वाटर रुक जाता है रीफ बन गए उसने रोक दिया तो जब वोटर रुक जाता है ना तो काफी सारा सेडिमेंट एक ही जगह पर डिपॉजिट हो जाता है ठीक है और वो अपलिफ्टेड एरिया बन जाता है उस अपलिफ्टेड एरिया को हम क्या बोलते हैं डूनस इवन ये डूनस जो है सिर्फ यही नहीं आपके रिवर से भी बनते हैं जैसे देहरादून जो है ना वो भी एक डून है वो रिवर से बना है जब रिवर का पानी रुक गया तो रिवर ने भी काफी सारा सेडिमेंट डिपोजिट किया तो वहां पे भी ड्यून बन गया ऐसे ही जब वेव का पानी रुक जाएगा तो वेव भी काफी सारे ड्यून्स की फॉर्मेशन कर सकती है तो क्वाइट सिंपल आप समझ सकते हैं ड्यून्स क्या होंगे ठीक है तो कैस्ट कोस्टल लगून है ये बीच है यहाँ पे सैंड स्पीड्स आप देख रहे हो ये ऑफ शोर सैंड बार है ये सैंड बार जो है ड्यून्स की फॉर्मेशन ज्यादा करते हैं ये देखो यहाँ पे जब ये सैंड बार क्या करेंगे अपोजिशन देंगे वेव यहां से जाएगी जब वापस आएगी तो ये अपोज करेंगे काफी सारा सैड इमेंट डिपोजिट होता चला जाएगा सैंड ड्यून्स की डेवलपमेंट होगी तो बहुत सिंपल है सैंड ड्यून्स इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से बार्स बैरियर्स और स्पीड्स भी बनते हैं भाई यस हाँ अगर स्टैक्स भी डेवलप हो गए तो स्टंप बनेंगे बार्स बैरियर्स और स्पीड्स बनते हैं बार्स और बैरियर्स और स्पीड्स के अंदर क्या फर्क होगा बैरियर का मतलब होता है यहां पे देखो आप ये जो एरिया है ना ये ये आपका सैंड बार है लेकिन अगर ये ये क्या ये क्या करेगी अपनी ओरिजेंटल एक्सटेंशन को बढ़ा देगा तो ये बैरियर की तरह काम करेगा ठीक है बैरियर के साथ साथ में मेरे पास क्या है यहां पे स्पीड्स की देखने को मिलती है स्पीड्स का एक फीचर होता है स्पीड का क्या फीचर होता है स्पीड एक साइड से लैंड से कनेक्ट होता है से से होता, दूसरी साइड ओपन होती है स्पीड में डिफरेंस ये होता है कि वन साइड लैंड से कनेक्शन होगा और दूसरी साइड इसकी रहेगी ओपन लेकिन जो बैरियर बार bar होते हैं ना वहां पे दोनों साइड ओपन रहती है कहीं भी तरीके से लैंड से कनेक्ट नहीं होता तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है तो यहाँ पे आप दोनों टर्म में याद रखेंगे जब बार्स और बैरियर की बात आती है बैरियर लार्ज स्ट्रक्चर है बार छोटा है लेकिन ये दोनों ही अटैच नहीं है यहाँ पे स्पीड के केस में वन साइड जो है वो अटैच रहेगी किससे आपके लैंडमार्क से अदर साइड रहेगी ओपन ठीक है क्वाइट सिंपल है आप समझ सकते हैं उसको पढ़ लेंगे

ह्यूमिडिटी नहीं होती इसलिए स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा नहीं होती काफी वीक जो है आपके अंदर फोर्सेस देखने को मिलते हैं वीक फोर्सेज की वजह से क्या होता है वो जल्दी ही विंड से इरोड हो जाते हैं इसलिए विंड से क्या होता है आपका इरोजन काफी ज्यादा सेंड्स के अंदर देखने को मिलता है विंड कोज डिफ्लेशन एवरेजन एंड इंपैक्ट्स डिफ्लेशन इंक्लूड्स लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ द डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ रॉक्स। डिफ्लेशन का क्या मतलब है? विंड से क्या होता है डिफ्लेशन डिफ्लेशन का मतलब होता है लिफ्टिंग करना और रिमूव करना किसको डस्ट और स्मॉलर पार्टिकल को ठीक है डस्ट को और स्मॉलर पार्टिकल को लिफ्ट करके दूसरी जगह पे डिपोजिशन करना वो क्या कहलाता है डिफ्लेशन कहलाता है तो विंड से डिफ्लेशन होता है ठीक है इसके अलावा क्या होगा इनफैक्ट मेनी फीचर ऑफ द डेजर्ट आर ओवर देयर फॉरमेशन टू द मास वेस्टिंग एंड रनिंग वाटर एज ए सीट फ्लड इसलिए मतलब डेजर्ट में सिर्फ विंड ही नहीं वाटर रनिंग वाटर भी आपका काफी ज्यादा इरोजिव एजेंट का काम करता है अब डेजर्ट में क्योंकि वेजिटेशन भी नहीं होता तो ऐसी रूट्स भी नहीं होती कि उसको क्या कर सके बाइंड करके रख सके इसलिए भी इसके अंदर इरोजन जो है वो ज्यादा होता है तो चाहे स्ट्रीम चैनल हो चाहे विंड हो वहां पर इरोजन जो है काफी ज्यादा होता है अब किस टाइप के लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं पेडिमेंट्स और पेडीप्लेन डेवलप होते हैं भाई पेडिमेंट्स मतलब लैंडस्केप इवोल्यूशन इन द डेजर्ट इज विद द फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द पेडिमेंट्स जेंटल इंक्लाइंड रोकी फ्लोर क्लोज टू द माउंटेन एट देयर फुट विद और विदाउट द थिन कवर ऑफ डेब्रिस आर कोल्ड एस पेडिमेंट देखो क्या होता है एक्चुअली जैसे जो आपकी जो विंड है

तो विंड विंड क्या करेगी और ज्यादा इरोजन करती रहेगी और आपकी जो हैं, जिसके फुट हील पे बना है उसको भी करती रहेगी और आपका बैकवर्ड मूवमेंट पेडीप्लेन का देखने को मिल जाएगा क्योंकि काफी अंदर तक इरोजन जो है देखने को मिल जाएगा विंड का क्योंकि यहां पे लैंडफॉर्म जो है वो बेसिकली क्या होते हैं काफी ज्यादा मतलब बहुत लूजेंड होते हैं लूजेंड होते हैं होते तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर जो है आपका बेसिकली चेंज हो जाएगा देखिए यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जैसे जुगान बने हुए हैं यारदांग्स बने हुए हैं देर, देर हैं पेवमेंट्स हैं इंसलबर्गस हैं तो ये सब आपके देखने को मिलते हैं डेजर्ट आउट्स हैं तो वो सब देखने को मिलते हैं इवन आपके क्या है मशरूम रॉक्स भी बनते हैं ये रॉक मशरूम रॉक्स जो है वो तभी बनते हैं ये मशरूम टाइप शेप होती है इसकी लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड रॉक ऑल्टरनेट होती है अब सॉफ्ट रॉक तो पूरी रोड हो गई हार्ड रॉक आपकी बच गई तो ये क्या होंगे मशरूम रॉक की फॉर्मेशन दे देते हैं ठीक है तो देखो दिस मेथड ऑफ इरोजन इज एज अ पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप क्योंकि पीछे पीछे जैसे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो माउंटेन आपकी पीछे जा रही है इसको पैरेलल रिट्रीट बोलते हैं क्योंकि पैरलो प्लेन के पीछे चली जाती है ऐसे ही आपके यहाँ पे एक वो जो 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 इस तरीके से जो पूरी रॉक खत्म हो जाएगी और जो प्लेन डेवलप करेगा वो फीचरलेस प्लेन होगा और फीचरलेस प्लेन को हमने क्या नाम दिया था पेनी प्लेन या पेडी प्लेन तो वो क्या कहलाएगा फाइनली एक फीचरलेस प्लेन जो डेवलप होगा फाइनल इरोजन स्टेज में वो पेडी प्लेन कहलाएगा प्लायाज की बात करेंगे तो प्लायाज क्या होते हैं The plains are by far the most prominent landforms in the desert. In basin with the mountains and hills around and along, the drainage is towards the center of the basin, and due to the gradual deposition of the sediment from the basin margin, a nearly level plain forms in the center of the basin.

रेनफॉल के टाइम पे उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है वो प्लायाज कहलाते हैं वाटर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है प्लायाज हमारे जो डेजर्टिक एरियाज है ना उसमें काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सैंड पार्टिकल जो होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है तो वॉटर सीपेज इनके अंदर काफी ज्यादा होता है तो वाटर का स्टोरेज लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलता डिफ्लेशन हॉलोज या केव्स ये क्या होते हैं डिफ्लेशन हॉलोज मेंटल ओवर द रॉक्स एंड बेल सॉयल्स गेट ब्लोन आउट बाई द परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ द विंड करेंट इन वन डायरेक्शन इसलिए क्या होगा एक ही डायरेक्शन के अंदर काफी ज्यादा एब्रेजन चलता रहेगा चलता रहेगा तो काफी होलो स्ट्रक्चर बनता है वो होलो स्ट्रक्चर अगर होरिजोन इंक्रीज होता चला गया तो फिर क्या बनाएगा आपका पहले तो करेगा और होलो स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको बोलेंगे डिफ्लेशन अगर वो होरिजोंटल एक्सटेंशन होता तो वो केव की फॉर्मेशन जैसे केव हमने देखी थी ना आपके वेव से भी तो केव बन रही थी ओशियन करंट से भी केव बन रही थी ऐसे ही होरिजोनटल मूवमेंट विंड का अगर होता तो भी आपकी केव फॉर्मेशन हो सकती है मशरूम रॉक टेबल और पेडिस्टल रॉक भी बनती मशरूम रॉक मैंने अभी आपको दिखाया था कि हार्ड ऑल्टरनेट हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक है तो सॉफ्ट रॉक रिमूव हो जाएगी हार्ड रॉक मशरूम शेप में बचेगी वो मशरूम होगा अब क्या होता है मशरूम शेप में तो क्या होता है ऊपर वाला पार्ट काफी बड़ा होता है और इरेगुलर होता है लेकिन अगर वो भी फ्लैट हो जाता है तो वो टेबल शेप कहलाएगा ठीक है अगर वो भी फ्लैट हो जाए तो वो टेबल शेप कहलाएगा और अगर आपका क्या होता है बिल्कुल प्लेन एरिया बनता तो वो पेडिस्टल कहलाता तो ये तीनों में डिफरेंस है बेसिकली शेप का डिफरेंस है बट हाँ तीनों ही आपके इरोजन से हो रहे हैं अब जब विंड ने इरोजन किया है तो कहीं डिपोजिशन भी करेगी क्योंकि आपके सेडिमेंट साथ तो चलने वाले हैं नहीं डिपोजिशन करेगी तो विंड गुड शॉर्टिंग एजेंट डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी विंड क्या करेगी जैसे जैसे स्लो होती जाएगी वैसे वैसे डिपोजिशन करेगी एक ऐसी वेलोसिटी जब विंड डिपोजिशन करना शुरू कर देती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी उसके बाद में विंड क्या करेगी अपना सेटल होना शुरू करेगी सेडिमेंट्स को डिपोजिट करना शुरू कर देगी तो आपके क्या बनते हैं आपके इससे बर्चनस हैं आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स है सेंड्यून्स जो है वो मेनली फॉर्म होते हैं, पैराबोलिक ड्यून्स है सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है लॉन्गिट्यूनल ड्यून्स का मतलब विंड की डायरेक्शन में जो ड्यून्स बने लॉन्गिट्यूडनल कहलाएंगे और अगर आपके विंड के वर्टिकल बढ़ रहे बन रहे हैं तो ट्रांसवर्स ड्यून कहलाएंगे विंड की डायरेक्शन इधर है ड्यून्स यहां बन रहे हैं वर्टिकल है तो वो ट्रांसवर्स कहलाएंगे विंड की डायरेक्शन भी ये है सैंड ड्यून भी ऐसे बन रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे लॉन्ग ड्यूस कहलाएंगे तो अलग अलग टाइप के ड्यून्स की फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिल जाती है समटाइम ड्यून्स आपके पैराबोलिक शेप में होते हैं उनको पैराबोलिक ड्यून्स बोल देते हैं ठीक है तो सैंड आप समझ ही ही गए में क्या होगा होगा काफी सारा एक एक प्लेस पे डिपॉजिट और उससे क्या होगा उसमें क्या होता है कई बार कोई ऑब्स्टेकल जैसे कि अगर मान लो जैसे शॉब्स है वह ऑब्स्टेकल काम कर रहे हैं तो विंड की स्पीड वहां पे कम होगी धीरे धीरे क्या होगा वो एक शेप लेते चले जाएंगे और सेंड्यून्स की डेवलपमेंट हो जाती है तो एक ऑब्स्टेकल उसके अंदर जरूरी है पैराबोलिक अगर शेप होगी तो पैराबोलिक ड्यून्स कहलाएंगे और अगर सीफ है सीफ का मतलब होता है हाफ पैराबोला सीफ का मतलब होता है हाफ पैराबोला तो सीफ जो है हाफ पैराबोला होता है उसी को सीफ इज सिमिलर टू दी बर्थन विद स्मॉल डिफरेंस और स्मॉल डिफरेंस ये होगा कि वो सीफ जो है हाफ पैराबोला होती है ठीक है वो क्या कहलाएगी आपका हाफ ऑफ दी पैराबोला होगी लॉन्गिट्यूनल ड्यून्स जैसा मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में आपकी विंड फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर सैंड ड्यून बना है तो लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा और अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बना है तो वो फिर क्या कहलाएगा आपका ट्रांसवर्स ड्यून कहलाएगा ठीक है

इन विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग रीज़न, द केमिकल वेदरिंग इज डोमिनेटिंग किस में ह्यूमिड में लाइन स्टोन में एरिड में या ग्लेशियर में किस एरिया में आपका क्या है ग्लेशियर में केमिकल वेदरिंग जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगी आप आंसर कर सकते हैं मेरे ख्याल से आसान से नेक्स्ट मेरे पास विच वन ऑफ सेंटेंसेस बेस्ट डिफाइन द लेपीज लेपीज हमने पढ़ा था तो को आपको बताना है इनमें से कौन सा वेरी कॉन्केव है head, as well as अगर मैं डीप बेसिन की बात करता हूँ जिसपे साइड में हाई ड्यून्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे ये आपको बताना है तो क्वाइट सिंपल है आप इसको आंसर करेंगे आज शाम को टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे ठीक है रेस्ट ऑफ द दिंग सारी हमने डिस्कस कर ली है कुछ लोगों के डाउट जो कोर्स से रिलेटेड दैट यू कैन सी ट्वेंटी फाइव फाइव हंड्रेड इलेवंथ जुलाई से आपका स्टार्ट होगा मॉर्निंग एट एम से इफ यू विश टू ज्वाइन डाउट्स तो आप उसमें बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो ठीक है कोई अदर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ देखो बाई नाउ जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको ऑफर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको प्रोमो अप्लाई करना पड़ेगा ठीक है प्रोमो में आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे कूपन कोड ऐड करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल दिस इज द कूपन कोड ऑफ कपिल लाइव ठीक है ये कपिल लाइव का कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका देखो